Hey guys, welcome to another live show of the Fan Stands with me, Mohsin and Ahmed. And this time we have another special guest from Lahore. It's Ismail Farooq, who has his own YouTube channel. Sorry, on the mic. So Ismail, how are you doing, brother? I'm good, man. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be on the show and talk about football. Yeah, sure. Likewise, and we're really excited to have you because I've seen your show, in fact, on YouTube, and it was when we had invited Mr. Nosheirwan over for a show and to talk about Liverpool. So I was just curious to see if I can find anything on YouTube, and that was the first time I discovered about your show, and I think it was back in June or July, and tab I made my mind ke yaar, मुझे जो है ना इस बंदे को एक दिन शो पे लाने, बिकॉज आई लाइक द वे यू यू कंडक्ट द शो, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फुटबॉल, इट्स अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. आप इसकी ज्यादा तफसील और डिटेल बताएंगे. फिर आपने लेटेस्ट आई थिंक मैनचेस्टर सिटी पे भी फुटबॉल की वीडियो की थी. तो इस्माइल, विदाउट एनी फर्दर अड्यू एंड डिलेज, आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें एंड लेट द ऑडियंस नो अबाउट योरसेल्फ. Oh wow, big pressure. Basically, एक आम सा लाहौरी हूँ who just fell madly in love with football. I think a lot of people from our generation fell in love with it around the 2006 World Cup जब जिदान साहब ने हेडबट मारी थी. तो वो आई थिंक एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि चलो इसमें ये भी होता है. बट देन द 2006 2007 प्रीमियर लीग सीजन वाज माय फर्स्ट वन. और तब से बस आहिस्ता आहिस्ता करके बस अब पागल हो गए हैं इसके पीछे. अब हर मैच, हर टीम और मतलब हर चीज़ के पीछे अब फॉलो करते हैं फुटबॉल को. बट रिसेंटली अबाउट द यूट्यूब चैनल, तो आई एम वेरी हम्बल्ड दैट यू लाइक इट एंड यू लाइक मी एज अ होस्ट एंड व्हाट वी आर डूइंग. तो बेसिकली वी स्टार्टेड ऑफ एंड वी स्टिल हैव थ्री शोज. वन ऑफ देम इज कॉल्ड प्रेसिंग मैटर्स व्हिच इज अबाउट फुटबॉल. उसके अंदर यही मैनचेस्टर सिटी, प्रीमियर लीग, और रिसेंटली हमने पाकिस्तानी फुटबॉल के बारे में ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है बिकॉज हमें लगता है कि इसका एक्सपोजर और इसकी पॉपुलैरिटी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पाकिस्तानी हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा. एंड दैट्स वेरी मच नीडेड. उसके अलावा देर इज अ शो कॉल्ड द वेन विच इज़ अबाउट MMA, अगेन अबाउट द UFC और इंटरनेशनल भी, लेकिन पाकिस्तानी टच भी है उसके अंदर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. एंड द थर्ड वन, आई थिंक दैट्स द वन जो नौशरवान वाला शो था विच इज़ वन ऑफ आवर फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स. जिसके अंदर वी टॉक अबाउट, इट्स द फ्लैगशिप शो कॉल्ड ऑन द माइक. इट्स अ पॉडकास्ट, बेसिकली लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन. उसके अंदर कोई फुटबॉल MMA का वो नहीं है. इट्स अबाउट जनरल कॉन्वर्सेशन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क अ डे जॉब एट अ थिंक टैंक इन लाहौर, प्राइवेट इकोनॉमिक थिंक टैंक. और उसके अलावा आई एम ऑल्सो वर्किंग विद द ग्रेट कराची यूनाइटेड एज अ वीडियो एनालिस्ट. सो दैट इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फुटबॉल में काम करने के लिए. और मतलब क्या ही चाहिए, इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन अ बिट टू मच टाइम अबाउट माई सेल्फ, सो नो 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 लेट्स प्रॉब्लम. माशाल्लाह, लकी यू एंड ग्रेट टू सी के यार एक लाहौरी जो है वो कराची यूनाइटेड के लिए काम कर रहे हैं. दैट मेक्स मी फील प्राउड एज अ कराचाइट. सो ये बताएं इस्माइल, यू हैव बीन वाचिंग द प्रीमियर लीग सिंस आई थिंक लास्ट 14 इयर्स नाउ, तो किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? यार लोगों को पसंद नहीं आएगी शायद, कुछ को आ जाए, लेकिन लिवरपूल थ्रू एंड थ्रू. द फर्स्ट टाइम आई सॉ द रेड्स एंड स्पेशली स्टीवन जेरार्ड, तो बस एक हमारी कौन से लोकल क्लब तो है नहीं, तो हमें वो वाला तो सीन होता नहीं है कि मैं लाहौरी हूँ तो मैं लाहौर की टीम को सपोर्ट करूंगा. बट आई थिंक पीपल कैन रिलेट के इट्स मोर अबाउट कि आपने जो मैच देखा बचपन में, कोई चीज़ क्लिक कर दी. किसी को कैंटोना पसंद आ गया, किसी को रोनाल्डो पसंद आ गया, मुझे जेरार्ड पसंद आ गया. एंड आई जस्ट fell in love with the player and the club, और उसके बाद से I haven't looked back since. सही. तो मुझे पता, हार्ड इट फील व्हेन लिवरपूल फाइनली वन द लीग. ऐसा लगता था क्या लिवरपूल कभी लीग नहीं जीत पाएगा? यार मतलब कि आप ये सोचें कि लिवरपूल इन माई लाइफ टाइम हैड इट्स बेस्ट एवर टीम. ये लास्ट सीजन जो चल रही थी, एट अ पॉइंट वी वर प्लेड 27 वन 26 ड्रॉन वन, विच इज रिडिकुलस. ये हो रहा है, चल रहा है सब कुछ, लीग फाइनली. लाइक हम इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके थे, इतने PTSD के शिकार हो चुके थे कि तब भी जाके हम बोलना नहीं चाहते थे कि ओपन लीग के जीत रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से हमें यकीन आ गया था कि जीत ही रहे हैं. बट फिर कोविड आया और फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई डोंट नो अराउंड 100 ईयर्स या कुछ 80 90 70 80 ईयर्स के लीग बीच में बंद हो गई. लास्ट वर्ल्ड वॉर के टू के टाइम पे हुई थी.
तो तब लग रहा था कि भाई अब तो कभी भी नहीं जीत सकते, अगर इतने कुछ करने के बाद भी अगर लीग कैंसिल होगी तो छोड़ दो, हाथ जो है ना वो धो के बैठ जाओ. बट इवेंचुअली फाइनली इट हैपेंड एंड आई कांट एक्सप्लेन इट ऑनेस्टली. मुझे कुछ टाइम तो समझ यकीन ही नहीं हुआ ना कि मतलब जीत भी गए हैं. और उसके सही बात। बाद बट आई थिंक कि दिस टीम, दिस मैनेजर, दिस प्लेयर्स, दे डिजर्व्ड इट एब्सोल्युटली. द वे द स्टफ नॉट ओनली दे डिड लास्ट सीजन बट उससे पहले जो एक चैंपियंस लीग फाइनल में हार्ट ब्रेक हुई, उसके बाद अगले साल बार्सिलोना से जिस तरह जीते और फिर आगे गए और फिर फाइनली गॉट देयर फर्स्ट ट्रॉफी, बट मिस्ड आउट ऑन द प्रीमियर लीग बाय 1 पॉइंट इवन दो दे गॉट 97 पॉइंट्स. ये सब कुछ करने के बाद आई थिंक अदर टीम्स माइट हैव जो है ना फॉल्टर्ड और विदर्ड अवे. बट टेस्टमेंट टू देयर कैरेक्टर एंड टू यूर्गन क्लॉप के उसके बाद आए और 99 पॉइंट से फिर लीग जीते एंड लॉन्ग मे इट कंटिन्यू. ओके सो सिंस यू आर लिवरपूल फैन, आई लाइक अहमद टू स्टार्ट विद दिस वन, इस्माइल इफ यू डोंट माइंड। यूजुअली हम गेस्ट को श्योर पहले श्योर, देते हैं, बट आई थिंक अहमद माइट बी लेफ्ट आउट। नो अहमद, नो वरीज। मर्सीसाइड डर्बी इज अबाउट टू टेक प्लेस एंड व्हाट हैपेंड इन गेम वीक 4 वाज आई मीन हॉरेंडस फॉर लिवरपूल, नो वन एक्सपेक्टेड दैट। एंड अब मर्सीसाइड डर्बी हो रही है, एवर्टन वाले काफी खुश हो रहे हैं, मतलब आई हैव सीन दोस बैंटर्स कमिंग आउट, कैल्वर्ट लुइन पॉकेटिंग, देयर वाज एन एड ही वाज पॉकेटिंग वैन डाइक इन हिज पॉकेट। तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना हैपन? वी मेड एन अ वीडियो ऑन एवर्टन लास्ट वीक इफ यू रिमेंबर अहमद। तो अब वी आर गोना कम टू द मेन टॉकिंग पॉइंट, व्हाट हैपेंड इन गेम वीक 4 एंड व्हाट्स गोना हैपन इन गेम वीक 5। देखिए, अगर आप एनालाइज करें एस्टन विला वर्सेस लिवरपूल, तो आप बोल सकते हैं कि लिवरपूल आराम से ये जीत सकती है ऑन पेपर, मगर इशू ये था कि एलिसन की इंजरी हो गई, जिसकी वजह से एलिसन की इंजरी के होने की वजह से आपको एड्रियन खिलाना पड़ा। अब एड्रियन का फॉर्म बहुत ज्यादा वो चल रहा है, बहुत बुरा फॉर्म चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे उन्होंने आपको पिछले मैचेस में आपने गलत कीपिंग की वजह से डिफेंडर्स को प्रेशर में डाला था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका आपके अब बेसिकली लिवरपूल ने बायर्न म्यूनिख को कॉपी करना शुरू किया। हायरलैंड खेल रहे थे, ये हायरलैंड आर्सेनल के खिलाफ एक्सपोज नहीं हुई थी क्योंकि उनके पास मिडफील्डर में कोई प्रेसिंग गेम नहीं हो रही थी। वो जब सबायोस आया था तो उन्होंने प्रेस की थी, वो फिर जाके थोड़ा उनको मुश्किल पेश हो रही थी। इशू ये था कि ओली वॉटकिंस ने बहुत अच्छा उस प्रेस को बीट किया है। जैक ग्रिलिश तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे जैसे वो तो रोनाल्डिन्हो बन गए थे इसके मैच के लिए, यानी उन्होंने तो आराम से इस प्रेस को तोड़ के, फिर आपका एड्रियन जो थे वो बहुत ज्यादा उस चीज में वो हुए हुए थे, प्रेशर में आए हुए थे क्योंकि उनके ऊपर मिस्टेक्स का बोझ था, जैसे कैपा पे है। वो बस पहले गोल के लिए उन्होंने दिया, फिर ओली वॉटकिंस ने ज्यादा मौका नहीं दिया और गोल मार दिया। उसके बाद तो बिल्कुल ही आई थिंक प्रेशर में आ गए थे उस आई थिंक। फिर ओली वॉटकिंस से हैट्रिक खाने के बाद आई थिंक यूर्गन क्लॉप को चाहिए था कि अपनी टीम वर्जिल वैन डाइक को बोले कि हाई लाइन खेलना बंद करें और थोड़ा पीछे आके डिफेंसिव करें, मगर वही बात है, एलेक्जेंडर आर्नल्ड और आई थिंक जो गोमेस की बहुत फजूल गेम थी ये। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स फॉर बोथ ऑफ देम, मगर ये कि सेकंड हाफ में भी आई थिंक जो चीज मैंने वही बोला कि क्लॉप को होना चाहिए था कि डिफेंसिवली वो ठीक करे कि वो हाई प्रेसिंग ना खेले, मगर स्टिल वो हाई प्रेसिंग खेलते गए, 3 डिफ्लेक्टेड गोल भी थे, वो एक बैड लग होती है, मगर ये है कि आई गेस वही बात है, एक दो मैचेस आपका एक दो मैचेस बुरे आपके आते हैं तो आपको उसको सीखना चाहिए। तो यही है कि अब ये है कि एलिसन का तो मुश्किल है क्योंकि वो 5-6 वीक के लिए इंजर्ड है, तो आपको एड्रियन से खेलना होगा। अब ये है जोल मटीप आ गए हैं, टियागो आ गए हैं और आपके सादियो माने भी आ गए हैं, अटैकिंग वाइज भी आई थिंक सलाह अच्छा खेल लेते हैं। डिएगो जोटा ने थोड़ी ट्राई की थी मगर वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये है कि एवर्टन के अलावा अगर अब वो हाई प्रेसिंग हाई लाइन ना खेलें और डिफेंसिवली सॉलिड रहें, तो आई थिंक ये मैच काफी लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एवर्टन जीत सकता है या ड्रॉ, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स गोइंग फॉर अ ड्रॉ इस बार। ओके इस्माइल, आप क्या समझते हैं, मैं डू यू थिंक एवर्टन कैन ओवरकम लिवरपूल इन द डर्बी? दे हैवंट बीटन लिवरपूल फॉर द लास्ट 10 इयर्स. इसके अंदर दो तीन बातें. सो आई डेफिनेटली एग्री कि एड्रियन और एलिसन वाला जो है वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
if you remember, the only Liverpool made a couple of buys, which if you remember, एक मैच हुआ था लिवरपूल वर्सेस स्पर्स 4-1, जिसमें स्पर्स 4-1 जीती थी और डेजान लॉवरेन को 30th मिनट पे सब किया गया था एट वेम्बली स्टेडियम, जब स्पर्स का स्टेडियम रेनोवेट हो रहा था. तब पोचेटिनो की स्पर्स यहाँ थी, लिवरपूल यहाँ पे थी एट दैट पॉइंट इन टाइम. सलाह का पहला सीजन था. आफ्टर दैट मैच दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, एंड द रीजन व्हाई दिस हैज हैपेंड इज बिकॉज पोचेटिनो की स्पर्स उस लेवल पे पहुंच गई थी वेयर दे नीडेड वन और टू साइनिंग्स टू मेक देम टाइटल विनर्स, बट वो साइनिंग्स कभी आई नहीं. फॉर लिवरपूल दे स्लोली वेंट अप टू स्पर्स लेवल, देन बॉट वर्जिल वैन डाइक, देन बॉट एलिसन, और फेबिनियो भी आ गया. एलिसन वॉज सो इम्पॉर्टेंट एंड इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपकी डिफेंस के अंदर कॉन्फिडेंस, आपकी इफ़ यू लुक एट द एथलेटिको मैड्रिड मैच जो लिवरपूल हारी, दैट वॉज इन 90 मिनट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैव सीन फ्रॉम अ लिवरपूल टीम, कंसिडरिंग के एथलेटिको की डिफेंसिव क्या केपेबिलिटी है. सिमियोनी की टीम डिफेंसिवली सॉलिड होती, लिवरपूल खोल रही थी उन्हें और चांसेस बना रही थी. द रीजन वाई द लॉस वॉज सिंपल, एड्रियन एरर आउट ऑफ नो वेयर आफ्टर 95 और वट एवर मिनट्स, ठीक है. और यही मसला है कि आप ठीक ऐसे मिला के तो सारी बुरा खेल रहे थे ना, बट देयर इज ऑलवेज द प्रॉब्लम विद हैविंग अ बैड और शेकी कीपर, कि आपकी जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस हो, द मिनट द बॉल गोज नियर योर गोल, कुछ भी हो सकता है, आपका पूरा गेम प्लान ही जो है वो साइड पे हो जाए, ठीक है. आप गोल खा लो, क्या होगा फिर. एग्जैक्टली जो एस्टन विला के मैच के शुरू में हुआ, अच्छा नहीं खेल रहे थे लेकिन गोल पड़ गया, टाइट चेंज होगी. सो एड्रियन वाला मसला इज अ ह्यूज फैक्टर एंड आई थिंक दैट समथिंग वी हैव टू डील विद, कुछ हो नहीं सकता. दूसरी जहां तक हाईलाइन की बात है, आई थिंक एस्टन विला वाले मैच में द रीजन वाई द हाईलाइन फेल्ड वाज नॉट बिकॉज लिवरपूल हाई, लाइक द रीजन क्योंकि हमने इतने गोल खाए वाज नॉट बिकॉज इट वाज अ हाईलाइन. द रीजन वॉज के आगे से मसला जो आ रहा था वो था कि हाई लाइन, ऑब्वियसली हाई लाइन की रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं. द रीजन वाई यू प्लेइंग हाई लाइन इज बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रेस हाई. लेकिन लिवरपूल अच्छी तरह प्रेस नहीं करी थी एस्टन विला के खिलाफ, दे वर्न्ट देयर एट ऑल, विच इज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग एंड मे बी अ वन ऑफ, बट वो नहीं था. द रीजन वॉज के ठीक है, ग्रीलिश और ऑली वॉटकिंस वगैरह को पता था कि इफ यू टाइम आर रन वेल, हम उसको बीट कर सकते हैं ऑफ साइड ट्रैप को. बट यूजली क्या होता है, लिवरपूल प्रेस सो वेल दैट दे डोंट लेट द प्लेयर, द डिफेंडर और द मिडफील्डर प्ले दैट बॉल. बट एस्टन विला के खिलाफ वो बॉलें निकाली जा रहे थे, ऑली वॉटकिंस और ग्रीलिश अंदर घुसी जा रहे थे. सो आई डोंट थिंक दैट एवर्टन के खिलाफ देर गोइंग टू स्टॉप विद द हाई लाइन बिकॉज दैट्स हाउ दे प्लेड फॉर 2.5 years, दैट्स हाउ दे वॉन. बट डेफिनेटली द प्रेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, द स्ट्रक्चर नीड्स टू चेंज एंड विल चेंज आई थिंक, ताकि वो जो बॉल है, बिकॉज अगर आप एवर्टन के खिलाफ भी प्रेस नहीं करोगे और यू नॉट दैट गुड, यू नॉट गेटिंग टू द बॉल, तो कैल्बर्ट लुइन और रिचार्लिसन आर बीस्ट ऑफ द बॉल, देर गोइंग टू रन इन बिहाइंड, वो तो फिर वो यही को 4-5 goals पड़ने हैं. बट दैट्स हाउ आई सी इट हैपनिंग. जहाँ तक रिजल्ट की बात है, इफ यू पीपल हैव नोटिस्ड, जब से क्लॉप आया है, वन थिंग दैट एटलीस्ट आई सीन अ ट्रेंड हियर, के जब भी लिवरपूल अवे एट ओल्ड ट्रैफर्ड या अवे एट गुडिसन जाती है ना, क्लॉप इज ऑलवेज हैप्पी विद द ड्रॉ, ऑलवेज. एंड हिज लॉजिक इज के होम में 3 points, अवे 4, इफ वी गेट 4 points फ्रॉम दीज टू डार्बीज, दैट्स अ ग्रेट रिटर्न, ठीक है, बाकी सारे उसे पॉइंट्स ले लेंगे. द साइकोलॉजिकल हार्म ऑफ losing to at Goodison or at Old Trafford is more than just losing 3 points. So wo wala factor hota hai, isliye I agree with him that it's going to be a draw. But I think this is definitely Everton's best chance. Kyunki one of the reasons for that is obviously unki performance and their signings. But secondly is ke ironically jo sabse zyada Everton ko ek cheez hamper karti hai wo Everton fans hi hain. Kyunki Goodison pe unke upar bahut pressure hota hai, Liverpool aati hai wo full chade hote hain. And the fact that crowds aren't there is having a huge effect in many ways. And one of the effects is ke home team pe pressure nahi hota itna ke bhai jaan attack karo ya ye karo wo karo. They'll be able to calm down, play their game. And I think in the end it'll be a draw. Okay. So Ahmed, ek baat achhi baat ki ye Ismail ne ke क्या बोलते हैं कि यहाँ पे थ्रू बॉल्स की अगर हम बात की, जो हमारे हमें शफकत बुखारी ने भी क्वेश्चन किया है, टैक्टिकल मास्टर क्लास हो सकता है नहीं हो सकता, अहमद हैमस रॉड्रिगेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, बिकॉज ही इज द वन हु इज फीडिंग दोस बॉल्स, स्पेशली ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद कैल्वर्ट लुइन, जिस पे हमने बात की थी लास्ट वीक. सो हाउ इज लिवरपूल गोइंग टू स्टॉप रॉड्रिगेज एंड कैल्वर्ट लुइन? सर रॉड्रिगेज को तो रोकने के लिए आई थिंक जोल मटीप लगते हैं फिट हुए हैं, तो वही बात है कि गेस वर्जिल वैन डाइक और जोल मटीप की जो पार्टनरशिप सेंटर बैक वाली होगी,
वही है। अब यह है कि एंड्री रॉबर्टसन को भी यही है कि एंड्री रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर को जो वो थोड़े जो डिफेंसिव थे वो मसले मसाइल उनको वो ठीक करने होंगे, क्योंकि हेमर्स रोड्रिगस बाकी ऑन फॉर्म है और वो बाकी आपको थ्रू बॉल्स और फॉरवर्ड रन्स देंगे और असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यही है कि जोल मटीप का और रॉबर्टसन का काम होगा उनको रोकने का। और यही बात है कि आपको ये भी देखना होगा कि उनको मिडफील्ड में प्रेस कौन कर रहा है, क्या काइटा प्रेस करेंगे या वाइनाल्डम प्रेस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है टियागो अभी शायद क्योंकि उनका पहला डेब्यू मैच होगा तो वो प्रेसिंग गेम नहीं करेंगे, तो ये काम या तो काइटा पे होगा या वाइनाल्डम पे होगा, या मुझे लग रहा है या तो हैंडरसन भी शायद हो सकते हैं। तो ये भी होगा कि मिडफील्ड में कौन होगा, और आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन जोल मटीब एंड रॉबर्टसन पे होगी कि कैसे सॉरी रोकते सॉरी हैं। जस्ट जस्ट टू ऐड, केटा आई थिंक हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, तो ही इज हाँ आउट ऑफ द रनिंग फॉर द मैच. टियागो हैंडरसन और विनाल्डम, आई थिंक मे बी मिलर भी शायद आ जाए, बिकॉज इसके अंदर ना वो ड्रॉ के लिए खेलता है. लिवरपूल फैंस को बड़ी तब चढ़ती है, विच इज फनी बिकॉज एवर्टन और यूनाइटेड हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट इन रिसेंट ईयर्स. अब तो खैर एवर्टन अराउंड दी अप, और हर मैच से पहले लिवरपूल फैंस कहते हैं कि यार अब जाके इनको ठोकना है, जाके मारना है, 4-0 5-0 करो. अब लेकिन क्लॉप वही मिलनर हेंडरसन विनाल्डम टाइप खिला के ना मिडफील्ड खिला देते हैं, और लिवरपूल फैंस कहते हैं यार कोई मतलब अटैक करो, मतलब जाके गोल करो, बट ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट सॉलिडिटी फर्स्ट. तो वही है, मिडफील्ड को पैक करेंगे. अब विनाल्डम आई थिंक विल हैव अ जॉब ऑन रॉड्रिगेस, और वही मैटिप जो है वो आएगा. आई थिंक गोमेज नीड्स अ ब्रेक, तो हैमस को रोकना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है। एंड व्हाट डू यू थिंक माने के, टियागो की तुमने बात की, माने के आने से कितना अटैक को बूस्ट मिलेगा? ऑब्वियसली व्हेन ही वाज नॉट देयर सलाह पे बहुत प्रेशर हमें नजर आ रहा था। एंड इस्माइल आई एम सॉरी, वैसे आई रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल, अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, आर्टिकल ऑन फर्मिनो तारीफ की थी कि यार उसका एक रोल गोल मारना नहीं होता, ही डज मोर देन दैट। बट आई थिंक यू नो लॉट लिवरपूल फैंस आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि एटलीस्ट वो चांसेस तो अपने टेकर, बिकॉज आर ऑफन टाइम्स व्हेन ही कैन स्कोर बट ही इज नॉट टेकिंग देम। एंड अहमद, आई वुड लाइक यू टू ऐड के यू ऑलवेज सेड के लिवरपूल को एक स्ट्राइकर साइन कर लेना चाहिए था। जोटा आया, ही इज नॉट अ नाइन बट मे बी ही कैन फिल इन दैट रोल, या मिनामिनो कैन यू नो शुड स्टार्ट गेटिंग मोर मिनट्स। तो इस्माइल आप इस पे क्या कहेंगे? पहले तो माने वाली बात, माने का जो लेवल अब हिट हो गया ना, आई थिंक माने इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. माने इज एन एब्सोल्यूट मशीन, मतलब एथलेटिकली ही इज परफेक्ट. लाइक उसकी स्ट्रेंथ, बैलेंस, स्टेबिलिटी, और उसके साथ साथ उसमें द एबिलिटी टू शूट विद बोथ फीट, ड्रिबलिंग एबिलिटी, लाइक वो कंप्लीट पैकेज बन गया साथियों. माने इज लाइक द अल्टीमेट फुटबॉलर इन लिवरपूल्स टीम. सलाह इज मोर लाइक रोनाल्डो इन द सेंस के वो बस बॉक्स की तरफ घुसने की, ही वॉन्ट्स टू बी द मैन हु फिनिशेस द लास्ट मूव एंड ही इज लीथल इन द पेनल्टी बॉक्स. माने इज मोर लाइक थोड़ा ड्रॉप डीप किया, थोड़ा प्ले मेक भी किया, साथ साथ जो है वो लेफ्ट साइड पे कंबाइन करके आगे गए, तो ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके आने से आई कॉन्ट स्टेट इट नाउ, द लास्ट टाइम लिवरपूल वॉन्टेड गुडिसन बाय द वे वाज 4 years अगो, एंड माने गॉट द इंट्री टाइम विनर. उसके बाद से सारे निलने लुए हैं. Which backs up the claim के क्लॉप हमेशा ड्रॉ ड्रॉ के लिए जाते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फन मैच बाय द ट्रैक रिकॉर्ड दैट वी हैव. फिरमिनो आई 100% अग्री विद यू, कमाल प्लेयर है. उसकी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस को पता है, क्लॉप ने कई दफ़ा बात की हुई है, ही इनेबल्स अदर्स टू प्ले. बट एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो से कि उसका फॉर्म काफ़ी डिप किया हुआ है, एंड दिस इज गोज बैक टू लास्ट सीजन. एथलेटिको के मैच में भी ही गॉट अ कपल ऑफ ग्रेट चांसेस और उसने नहीं स्कोर की. ऑब्वियसली प्रोफेशनल फुटबॉल है, कितने कोई चांस बना लोगे, मतलब कभी ना कभी यू नीड टू टेक दोस चांसेस इन कट थ्रोट गेम्स. और फिर मीनो इज प्रॉबेबली, आई थिंक दिस सम्स इट अप कि आजकल जिस तरह सिचुएशन चल रही है, आई वुड रादर दैट द बॉल फेल टू केटा और इवन हेंडरसन इन द बॉक्स देन फिर मीनो, क्योंकि उससे फिनिश नहीं होना. और एस्टन एग्जैक्टली विला वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच. तो आई थिंक एवर्टन के खिलाफ तो फिरमिनो खेलेगा. अब ये भी फैक्टर इन करना है कि वो हर मैच खेलता है, क्लॉप उसको रेस्ट भी नहीं देता. अब माने सलाह को फिर थोड़ा इधर दे देता है, फिरमिनो को वो हर मैच खिला रहा होता है. सो आई थिंक फॉर द लास्ट 3 सीजन इतने मिनट्स उसकी लेग्स में आ चुके हैं कि आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक, एंड अब रिफ्रेश फिरमिनो इज गोइंग टू बी अमेजिंग. उसकी जगह ऑब्वियसली मिनामिनो को आना चाहिए टू कवर, एंड बिकॉज वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, ही इज द सेम सॉर्ट ऑफ प्लेयर, बिटवीन द लाइंस खेलता है, एनेबल्स अदर्स टू प्ले. एवर्टन के खिलाफ आई डू थिंक फिरमिनो इज गोइंग टू प्ले, लेकिन फॉर्म इज एन इशू एंड ही नीड्स अ रेस्ट. सही।
अहमद, थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, मतलब जोटा को हमने देखा, ही प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट स्वीडन लास्ट नाइट. जी फर्मिनियोस डूइंग वेरी गुड फॉर ब्राजील, आई मीन असिस्ट भी दिए, गोल्स भी कर रहा है, तो हु वुड यू स्टार्ट? मतलब वी नो क्लॉप चेंज नहीं करेगा सिस्टम, बट आप क्या कहते हैं, वुड यू हैव टेकन अ गैम्बल एंड स्टार्टेड विद जोटा इंस्टेड ऑफ फर्मिनो, या डू यू थिंक फर्मिनो के साथ ही आप तुम भी जाते अगर तुम क्लॉप की जगह होते? सर, मुझे लग रहा है कि क्लॉप अपने यूजुअल थ्री के साथ ही जाएगा, क्योंकि जोटा का जो रोल है लिवरपूल के लिए वो एज अ विंगर खेलेगा, वो आई थिंक वो माने की या फिर रिप्लेसमेंट, वो है सेकंड रिप्लेसमेंट आए हुए हैं. तो आई थिंक वही बात है कि यूजुअल थ्री खेलेंगे. वही बात है कि आई थिंक फेमिनियो का रोल जो लिवरपूल के लिए है और जो ब्राजील के लिए है ना, वो बड़ा एक डिफरेंट है, क्योंकि फेमिनियो जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं वो फॉल्स नाइन खेलते हैं, और वो फिर पीछे आके वो आपको आपके विंगर्स को पूरे अटैक करने देते हैं, और वो फिर आपके सलाह और माने फिर वो आपको आपको गोल्स देते हैं, और वो फिर अच्छे खेलते हैं. अगर वही फेमिनियो आप अगर ब्राजील के लिए देखें तो उसमें फिर वो रिचार्लिसन के साथ और नेमार के साथ वो बिल्कुल ही साथ साथ एज अ स्ट्राइकर खेल रहे होते हैं, और वो अच्छे रन भी मार रहे होते हैं अच्छे, और उन्होंने बोलिविया के खिलाफ भी बहुत अच्छे गोल मारे और पेरू के खिलाफ भी आई थिंक मारे. तो आई थिंक ये है कि हाँ सही बात है कि फेमिनियो आई थिंक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, मगर बहुत ज्यादा उनको टाइम भी दिया जाता है. तो वही बात है कि क्लॉप को ये पता होना चाहिए कि जो प्लेयर थोड़ा इनकंसिस्टेंट नहीं चल रहा तो उसको बिठा दें. मैंने मीनो भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वही बात है कि जब रिसेट के बाद जब मर्सीसाइड डर्बी हुई थी तो मैंने मीनो को चांस दिया था, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी फर्स्ट हाफ में, तो सब सब हो गए थे. वही बात आई थिंक फेमिनियो अपना जो पेरू के खिलाफ जो फॉर्म लेके आए शायद उसी वजह से फिर से खेलेंगे, और शायद वी विल सी दैट सेम फ्रंट ट्री अगेन. So we have another question on this, guys. Ismail Allen, Alan versus Henderson. I mean, two very good midfielders. Henderson का I've been very critical of him, but you know he's shut everyone up. जब भी वो नहीं होता ना, Liverpool has struggled. तो Liverpool absolutely looks like a very different team with him and without him. उसकी leadership and plus you know what he brings onto the field is absolutely you know valuable to Liverpool. तो क्या समझते हैं आप? You know, two big good midfielders going head to head against each other. एलन आई थिंक थोड़ा फर्क प्लेयर है. आई एलन हैज़ बिकम मोर ऑफ अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो फेबिनियो रोल खेलता है लिवरपूल के लिए. विद नेपोली इट वाज अ बिट डिफरेंट. वो शुरू में जॉर्जिनियो वाज द डिफेंसिव मिडफील्डर, एलन थोड़ा आगे खेलते हैं जहाँ पे अब हेंडरसन खेलता है, बट ही शिफ्टेड हिज गेम अ बिट. इंटरेस्टिंग नाफ हेंडरसन उल्टी तरफ गए हैं. सो द रीजन वाई पीपल क्रिटिसाइड हेंडरसन अ लॉट वाज के लिवरपूल के पास बिफोर फेबिनियो कोई डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था. हेंडरसन वॉज नेवर अ डिफेंसिव मिडफील्डर. उसको क्लॉप ने कहा भाई तू आ, तू ये काम कर मेरे लिए, एंड ही डिड दैट जॉब रियली वेल. इट वॉज इन इज नेचुरल गेम. उसको उसने कहा यार तुम बेसिक सी तुम बिकॉज ऑफ द बॉल इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एंड डिफेंसिव एक्शन हेंडरसन इज एक्सलेंट. द वे ही कवर्स द पिच, प्रेसिस, वो क्लॉप के लिए परफेक्ट था. ऑन द बॉल ठीक है, यू हैव बेटर डीप लाइन प्ले मेकर्स लाइक इवन जॉर्जिनियो और एलन माइट बी बेटर ऑन द बॉल इन टर्म्स ऑफ पिकिंग आउट दोज पासिस इन द मिडल. फेबिनियो इज सर्टनली बेटर. लेकिन हेंडरसन जब आगे वापस गया आफ्टर फेबिनियो केम बैक लास्ट सीजन, ही वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स. एंड लाइक यू सेड हेंडरसन नाउ, तो लिवरपूल लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट. आई थिंक एक चीज जो हमें टीवी पे नहीं सही पता लगती, जो मैच पे जाके पता लगती है, वो है कि एक तो कि लिवरपूल की मिडफील्ड को कितना ग्राउंड कवर करना पड़ता है बिकॉज देर बेसिकली डूइंग द वर्क ऑफ फोर. उनके आगे फ्रंट थ्री चली जाती है, फुल बैक्स भी चले जाते हैं, लेकिन पीछे से मिडफील्डर भी होते हैं कि भाई संभालो जो भी आ रहा है. एंड दे हैव टू डू दैट जॉब एंड हेंडरसन इज एक्सलेंट एट दैट. दूसरी जो चीज़ हमें नहीं रियलाइज होती वो ये है कि हाउ मच कोऑर्डिनेशन एंड बीइंग वोकल आपने ऑर्गेनाइजर जो आपका एक होता है मिडफील्ड में या डिफेंस में, वो कितना ज़रूरी होता है. और हेंडरसन की अगर आप स्टेडियम फुटेज या वो देखें जो टी वी पर नहीं है, या मैच अगर आपको किसी को वो हो चांस मिले अगर जाके देखें, तो वही होता है द वे हेंडरसन इज ऑब्वियसली इज अ लीडर. ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ही इज गोइंग टू, वो इंटेंसिटी लेवल जो हेंडरसन के साथ टीम में होता है वो हेंडरसन के बगैर नहीं होता. और ऑफन टाइम्स इन प्रोफेशनल फुटबॉल एट द हाइस्ट लेवल 5-10% इज लीथल. 5-10% अगर आपका ड्रॉप ऑफ हो जाए इंटेंसिटी में, और लिवरपूल चलती है इंटेंसिटी पे, लिवरपूल इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी. आई कैन टेल यू 100% अगर हेंडरसन वेस्टहैम के खिलाफ होता, नॉट इवन माने माने ठीक है होता तो वो ऑब्वियसली बेहतर होता. If Henderson was on that pitch, 7-2 na hota. We might have lost 3-2 or something, 4-2, but 7-2 na hota. That I can guarantee.
सो हेंडरसन विल डेफिनेटली स्टार्ट, हेंडरसन इज जनरल, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब हेंडरसन मिडफील्ड में खेलता है, आई लव दैट। सही। अहमद, डू यू एग्री विद व्हाट एवर इस्माइल सेड, एंड आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस्माइल से, क्योंकि देखिए नेपली के जो एलन है वो बिल्कुल एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, था जो सारी के लिए खेलते थे, सारी के लिए जो जो जीनियन है नेपली दे, बहुत बार डिफेंसिव मिडफील्डर, तो वो वही काम है जो सारी बॉल चलाते थे जो, मगर वो लीडरशिप वाला रोल जो है वो बाकी हेंडरसन प्रोवाइड करता है। जो अब आपने देखा होगा कि एक वर्ल्ड कप जब वो हो रहा था, ये CWC हो रहा था जिसमें सारे वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें एक मैच में फिर आई थिंक किसी ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ हेंडरसन सेंटर बैक भी खेला था, हालांकि वो उसकी बिल्कुल पोजीशन नहीं है डिफेंसिवली। वही बात है कि क्लॉप को पता है कि हैंडरसन को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर यूटिलिटी प्लेयर, क्योंकि वो आपको सी है, वो आपको सेंट्रल मिडफील्डर भी खाए, डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिलाएंगे, और वो फिर एक दफा सेंटर बैक भी खेले। वही बात है कि जो प्लेयर आपको टीम के लिए इतना हो और वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी है वाकई, यानी कि जब हैंडरसन होता है तो वाकई एक कोहेरेंस या टुगेदरनेस होती है लिवरपूल की टीम में। तो हाँ, आई थिंक एज अ लीडर, लीडर वोकल होने का बहुत फायदा होता है। वही बात है, डिफेंसिवली मैं एलन को प्रेफर करूंगा, मगर एक लीडरशिप और एक यूटिलिटी जो आपको कहो, हर प्लेयर हर टीम में एक एक दो प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो आपका कहना माने और आपको फोकस करे, वो आपको पुश दे, वो मैं आई फिर प्रेफर हैंडरसन। सही। चले, आई थिंक वी विल एंड दिस टॉपिक इफ यू गाइस डोंट माइंड। अगर कुछ ऐड करना हो कर लें। तो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस फिक्स्चर वुड बी फाइनल प्रेडिक्शन। विल स्टार्ट विद इस्माइल। व्हाट डू यू थिंक, ड्रॉ, विन, लॉस फॉर हु, एंड क्या स्कोर लाइन होगी? यार आजकल जिस तरह की फुटबॉल चल रही है, मुझे प्रिडिक्शंस देने से डर लगता है, क्योंकि अरे सीजन तो तो मजा मैं यहाँ पे 1-1 कहूँ, वहाँ पे 5-5 हो जाए, मैं है। लोग बात, कहेंगे यार किसको बुलाया था। तो हमने तो खुद कहा था एस्टन लिवरपूल विल थ्रैश एस्टन विला, मार्टिनेज विल फाइनली कंसीड गोल्स, बट लुक व्हाट हैपेंड। गोल गोल तो खाए हैं आई थिंक उसने। यार आई थिंक के ड्रॉ होगा, नॉट अ गोललेस ड्रॉ। आई थिंक 1-1 हो जाएगा। आई थिंक 1-1 से सेफ बेट। Well, I'm sorry to interrupt. Well, by the way, Shafkat, thank you. We're coming to that topic, so we want your input on Manchester United later on. Hi, Ahmed, आपका तुम्हारे क्या वो है स्कोर लाइन प्रेडिक्शन? चलो, आई थिंक ड्रॉ होगा, मैं भी 2-2 के साथ जाऊंगा। आई थिंक माने या सलाम में से कोई स्कोर करेगा, और आई थिंक वहां से यहाँ तो रिचार्लिसन या हेमस रोड्रिगस होंगे, सॉरी डोमिनिक कैवन लोगन क्योंकि फॉर्म में चल रहे, तो इन दोनों में से कोई गोल मारेंगे। फिर चलो, सर सो टू 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 फैंटेसी प्लेयर्स वाले जो भी हैं, मी इंक्लूडिंग, तो कैल्वर्ट लुइन और अकॉर्डिंग टू एम एस, हैमेस पे भरोसा रखें रखें, दे विल स्कोर दोनों मेरे अगेंस्ट योर, पास है, मैंने अहमद पे भरोसा रखा वही रखा हुआ है, बात आपके है। बिल्कुल खिलाफ नहीं। बैटिंग हाँ, अगेंस्ट माय ओन टीम, लव इट। कोई बात नहीं, दैट इज अ ब्यूटी फैंटेसी। यू नो समटाइम्स आप कहते हो वो हारे, लेकिन वो टीम हार जाए लेकिन एक गोल मार दे, उसका प्लेयर पॉइंट्स तो मिले मुझे। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, यू मेंशन अ टीम इस्माइल बिफोर, आपने स्पर्ट्स की बात की थी। तो मोरिनियो जब आया था, हमने शो किया था लास्ट ईयर बहुत क्विक सेशन में, एक बार आधी रात को, कि भाई की हो गया ये मोरिनियो, यहाँ इधर कितने आ गया, सही है। और आज मतलब दैट द स्पर्स टीम लुक्स गुड, दे डिडंट स्टार्ट ऑफ वेल, बट आई मीन द वे दे प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट वीक, इवन आई थिंक बिफोर द रेड कार्ड, आई थिंक स्पर्स डोमिनेट कर रहा था। वो जल्दी गोल खाने के बाद भी ना, उसी वक्त अहमद और मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, मैंने कहा अहमद तीसरा गोल पड़ने वाला है, एंड आफ्टर द रेड कार्ड इट वॉज शॉर्ट शॉर्ट कि स्पर्स विल यू नो सी दिस गेम थ्रू, बट 6-1, आई मीन ये क्या क्या हो रहा है इस्माइल, आप बताएं। आई नो यू नॉट यूनाइटेड फैन, बट वी वॉन्ट योर एनालिसिस ऑन दिस, ऑन यूनाइटेड और स्पर्स। ऑन बोथ बोथ द टीम्स, मतलब उस मैच में क्या हुआ और दोनों का क्या आपको लगता है कि होगा इस सीजन? यार सीजन के सो फॉर स्पर्स एज फार एज आई कैन सी राइट नाउ, आई थिंक दे विल डू बेटर देन पीपल थॉट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। मुरीनियो आया पिछले साल, ठीक है, मुरीनियो, ओके, मुरीनियो वाज वन ऑफ द बेस्ट, वाज प्रोबेबली द बेस्ट मैनेजर ऑफ द 2000s, ठीक है, उस डेकेड का वो बेस्ट मैनेजर था, और या द मोस्ट मतलब हॉलमार्क मैनेजर ऑफ दैट टाइम, ठीक है, उस डेकेड का। बट ऑब्वियसली इस डेकेड में उसका थोड़ा वो स्लम्प आया है, एवरीवन अग्रीज के थोड़ा बहुत ही इज नॉट द सेम मैनेजर, नॉट द सेम क्वालिटी, बट पीपल ऑल्सो टेंड टू फॉरगेट के वो एक टाइम पे तो था ना, ही वॉज द बेस्ट मैनेजर ऑफ द डेकेड, सो ही हैज पेडिग्री, ही नोज फुटबॉल, इस तरह नहीं होता कि उसको भूल गई है।
आई एम श्योर सम थिंग्स डिडंट वर्क आउट एट चेल्सी इन द एंड एंड देन यूनाइटेड एज वेल. और यूजुअली वो यही होता है कि उसके तीसरे सीजन में जाके वो सारा कुछ ही फट जाता है. बट बिफोर दैट हिज टीम्स डू वेल विद यूनाइटेड. ही डिड वेल. इट वाजंट कि उसने यूनाइटेड के साथ सेकंड सीजन में ही केम सेकंड एंड दैट वाज फेयरली गुड. और इधर भी आई थिंक उसका सेकंड फर्स्ट फुल सीजन है सेकंड सीजन इन अ सेंस. पिछले सीजन जो उन्होंने किया प्रिडिक्टेबल मुरिन्यो इश्यूज आ रहे थे कि डिफेंसिवली थोड़ा बहुत सॉलिड हो गए थे लेकिन अटैक में ठीक है केन वगैरह इंजर बीच में हो गए थे बट वो अटैक में इट्स सो मुरिन्यो का ये आई थिंक इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड कि वो अटैकिंग पैटर्न्स कोच नहीं करता. व्हाट ही डज इज कि वो अपने प्लेयर्स को फाइनल थर्ड में कहता है कि तुम मैथ्स आई एम गोइंग टू ट्रेन यू फॉर मैथ्स सिनेरियोस कि तुम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग और वो ऑब्वियसली टेक्निक वगैरह पे तो वो ट्रेन कर रहते हैं बट वो डिसीजन मेकिंग एलिमेंट जो है उनकी गेम सिचुएशन की लेकर आता है कि खुद करो कोई मूवमेंट्स वगैरह जिस तरह गार्डियोला और क्लॉप वगैरह करते हैं उस तरह नहीं वो करता. एंड समटाइम्स दैट बैकफायर्स बिकॉज ऑब्वियसली शुरू शुरू में प्लेयर अगर नहीं है दूसरे के साथ उस तरह वो होते या उनको नहीं समझ आती क्या करना है अगर बहुत डीप ब्लॉक हो छः छः डिफेंडर खड़े हों तो फिर प्लेयर्स कांट फिगर इट आउट बाई देमसेल्व्स. बट नाउ इट सीम्स लाइक उसने सही फ्रीडम दिया केन को और सॉन को एंड ही इज यूजिंग द वेरी इंटेलिजेंटली इफ यू नोटिस क्योंकि केन स्टार्टेड टू ड्रॉप डीप. केन इज एक्चुअली डूइंग सॉर्ट ऑफ व्हाट फर्मिनो डज. केन आ रहा है और केन वाजंट गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग एज गुड एज ही इज बिकॉज ऑल राउंडर एज अ फुटबॉल प्लेयर केन इज वर्ल्ड क्लास. केन की पासिंग एबिलिटी केन का बॉल कंट्रोल और मूवमेंट बहुत अच्छी है. वो बस वो लंबा है इंग्लिश है उसको वो बोलने में थोड़ा मसला होता है तो लोग उसको क्रेडिट नहीं देते लेकिन आई थिंक ही इज एक्सीलेंट. और सॉन इज लाइक देयर माने ऑफ सॉर्ट्स लाइक वो लेफ्ट टू राइट रन मार रहे नाउ एड गैरेथ बेल टू दैट तो वो तो आई थिंक इट्स मच बेटर देन व्हाट यूनाइटेड हैव एंड आई पिक देम फॉर द फोर्थ स्पॉट और इवन थर्ड एक्चुअली अगर चेल्सी डोंट गेट देयर एक्ट टुगेदर सो देयर लुकिंग गुड. वन अदर लास्ट थिंग ऑन स्पर्स इज कि पीएल एमरिक होयबियर्ग वेरी वेरी गुड साइनिंग बिकॉज स्पर्स की मिडफील्ड में ना समथिंग वॉज लैकिंग. वो जो मिडफील्ड एक जनरल मुरिन्यो को चाहिए होता है विच वॉज मैटिच एट चेल्सी फिर उसने यूनाइटेड के लिए भी लिया. पहले उसने SCN और माकलेली को यूज़ किया था चेल्सी के टाइम पे तो वो और रियल मैड्रिड में अलोंसो और कदीरा थे वो उसका मिसिंग था. वो अब आई थिंक होयबियर्ग वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच अगेंस्ट यूनाइटेड और वो आई थिंक इज इंस्ट्रूमेंटल. और यूनाइटेड की फिर जहाँ तक बात करते हैं तो यूनाइटेड फैंस अगर सुन रहे हैं तो आई एम सॉरी बट दो तीन मसले हैं. एक मसला है कि रेड कार्ड अनफॉर्चुनेट था और श्योर मैच 6-1 ना होता अगर रेड कार्ड ना होता थोड़ा नीचे बात आ जाती. बट यूनाइटेड आर एन एब्सोल्यूट मेस. यूनाइटेड आर अ मेस एंड दे आर अ मेस दैट हैज सिमिलैरिटीज विद लिवरपूल ऑफ द 90s के लीग टाइटल जीते वहाँ पे केनी डलग्लिश चला गया यहाँ पे एलेक्स फर्गसन गए. विनिंग कल्चर जो था वो गया इस तरह प्लेयर और वो स्क्वाड खत्म हुआ. पैसे फेंकना शुरू हुए मैनेजर्स लाना शुरू हुए विदाउट एनी थॉट प्रोसेसेस विदाउट एनी थिंकिंग के क्या हो रहा है. लाए गए निकाले गए लाए गए एक आधे कप जीत लिए लेकिन लीग में दे वर फेल फर्दर एंड फर्दर अवे एंड दिस इज व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग विद यूनाइटेड. वुडवर्ड एंड द ग्लेजर्स आर 100% एट फॉल्ट नो डाउट बड़े मसले हैं उनके पास. बट यूनाइटेड फैंस डोंट आई थिंक अंडरस्टैंड इट्स नॉट एन ईदर और. You can say के Glazers और Woodward का मसला है, but also say that Ole Gunnar Solskjaer is not good enough to be a Premier League manager. I won't even say top four. He's not good enough to be a Premier League manager. And the reason why I'll justify this is, एक तो उसका track record. The only time he's been close to a Premier League job was with Cardiff. Cardiff sacked their manager who was they were not in the relegation zone when they brought in Ole Gunnar Solskjaer. He had half a season. He got them relegated. And next season he was sacked by them in the championship. Dusra, he won the championship with Molde in I think his home country. Lekin agar Swedish championship well, us league ka agar aap level dekhe na, so people say that's the equivalent of League One in football. So Premier League, championship, then League One. So he's operate like his success has only been at the third tier of English football. Aur dusri jo point to prove wo ye hai. You can pick any fan from any of the clubs in the Premier League outside Man United. You cannot name one fan who would take Ole Gunnar Solskjaer over their manager. And I say that including Steve Bruce. Steve Bruce ko bhi nahi nikalenge wo Ole Gunnar Solskjaer ke liye. I'm serious. Steve Bruce is a better manager than Ole Gunnar Solskjaer. Aap sahi keh rahe ho. We've discussed a lot of times and there's still some United fans who still disagree.
वो अभी भी यही कहते हैं कि यू नो वुडवर्न ग्लेजर्स आर द प्रॉब्लम, बट यू नो आई हैव सेड दिस लाइव ऑन द शो बिफोर, वीडियोस हैं कि यू प्लेयर्स यू हैव ऑन द पिच, आप उनके नाम देखो, यहाँ पे या तो मैन मैनेजमेंट आती है या तो कोई टैक्टिक्स आते हैं। आई स्टिल क्वेश्चन के ओली के टैक्टिक्स क्या है, मुझे अभी तक नहीं पता। अगर मुझे आप बोले ना क्लॉप के क्या टैक्टिक्स हैं, आर्टेटा की भी मुझे समझ आ गए, लैम्पार्ड पे मुझे अभी भी थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन ओली का नहीं समझ आता। अहमद अ बिग आउच फ्रॉम इस्माइल, बट डू यू अग्री, क्या कहते हैं इस पे, ये क्या वो उस दिन मैच में क्या हुआ, तुम अपना इनसाइट दो। और न्यूकासल के अगेंस्ट अवे, आई मीन ब्रूस के, स्टीव ब्रूस इज डूइंग वेरी वेल विद न्यूकासल, और सेंट मैक्सिमैन भी बड़ा अच्छा खेल रहा था उस दिन बर्नली के खिलाफ। मैंने प्रिडिक्शन ये दी थी कि यूनाइटेड अवे फ्रॉम होम वेरी प्रिडिक्टेबल होते हैं, स्पेशली टॉप सिक्स के खिलाफ। तो मैंने ये कहा था कि ड्रॉ भी हो सकता है और जीत भी सकते, क्योंकि वही बात है कि हमेशा इनकी मैनचेस्टर डर्बी में भी वो हमेशा जीत जाते हैं, क्योंकि हम ड्रॉ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं या मैन सिटी को जीत रहे होते। स्पर्स के अलावा आई थिंक वही था कि जब पहले मिनट में पेनल्टी मिल गई थी तो मुझे लग रहा था ये मैच आई गेस ओले गुनर सोलशायर शायद ये मैच बचा ले, मगर वही बात है कि वो पहले मिनट के बाद ही एंडोम्बेले ने अपनी गलती ही बचा के गोल मार दी। और आई थिंक उसके बाद भी सन सन आई थिंक बहुत अच्छे फॉर्म में, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, सोन ने गोल मारा। आई थिंक मसला ये है कि आप यूनाइटेड वालों को पता होना चाहिए कि आपका कौन से प्लेयर थोड़ा इनकंसिस्टेंट चल रहा है। हैरी मगवायर आई थिंक वो उनका क्लब कैप्टन है, उनके मसले मसाइल भी हैं, मगर आप उनको बिठा ही नहीं रहे। वही बात है कि वो अभी अभी इंग्लैंड के में डेनमार्क के खिलाफ भी रेड कार्ड लिया है और आपने इसमें भी रेड कार्ड ले लिया है, सॉरी वो एंटनी मार्शियल ने दिया था सॉरी, हालांकि वो थोड़ा रेड कार्ड बनता नहीं था क्योंकि वो हल्का सा था, मगर अब वो कोई भी वॉयलेंस अब ऑफेंस जो होता है वो रेड कार्ड हुए। आई थिंक रेड कार्ड के बाद आई थिंक गेम इनके हाथ से निकल गई थी, क्योंकि वही बात है कि केन केन ने अपना जो एक नया रोल लिया, जो इस्माइल इस्माइल ने बोला कि वो एक फेमिनियो बन गए, और उन्होंने लास्ट मैच में जब वो साउथहैम्पटन के खिलाफ खेले थे तो 4 असिस्ट दिए थे, इसमें भी वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने सन को असिस्ट दिया था। और एक बात है कि हॉयबर्ग ने गेम कंट्रोल की थी। इधर मुझे फील होता है कि पॉल पोगबा को अगर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, बहुत बेहतरीन है, आपने 90 मिलियन दिए है, और वो फ्रांस के खिलाफ बहुत अच्छा खेल रहे, उधर ना आपको पॉल पोगबा नजर आए कुछ करते हुए, ना ब्रूनो फर्नांडिस भी वो कुछ करते हुए नजर नहीं है। तो आपको पता, अब ये चीज आई थिंक ओले गुनर सोलशायर को भी पता होनी चाहिए और आई थिंक एडवर्ड वुड को भी पता चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी जेडन सैंचो नहीं है, आपकी प्रायोरिटी ये थी कि आप एक डिफेंसिव मिडफील्डर लें। ठीक है, एलिस टेलेक्स एक अच्छा लेफ्ट बैक है, और वही बात है कि वो एक अटैकिंग लेफ्ट बैक है, वो डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं है। और फिर आपने एक 33 साल का कवानी लिया, कवानी जब से लीग आम में खेलते थे पीएसजी के लिए वो फिर एक अच्छे थे। आपके पास 2 30s में स्ट्राइकर, एक अनियन गालू है और एक एक कवानी है। तो ये है कि आपकी ये साइनिंग अच्छी नहीं, और ओले गुनर सोलशायर जो मैं, आपने बिल्कुल एक सही बोला कि टैक्टिक्स समझ नहीं आती। मैंने हमेशा ओले गुनर सोलशायर की टैक्टिक्स पता क्या समझी, जो एक सामने वाले मैनेजर ने जो फॉर्मेशन बनाई होती है उसके उल्टा खेलना होता है। तो वही है कि वो एक एंटी एंटी मैनेजर फॉर्मेशन रखते हैं कि जो अगले फॉर्मेशन की एंटी खेलना है। मैंने वही बात है कि इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रॉब्लम। अब फिर पोचेटिनो के साथ इनका लिंक आ रहा है, मगर इश्यू ये है कि सिटी वाले भी उनके साथ लिंक आ रहे, क्योंकि गार्डियोला का आई गेस ये है कि लास्ट सीजन है। तो या आई थिंक ग्लेजर्स और इट्स अ मेस राइट नाउ इन यूनाइटेड। सही, इस्माइल तो हाँ बोले या बोले सॉरी, जी। जस्ट वांटेड टू ऐड, क्योंकि मैं सोल्शर और उसके, इवन दो मैं तो चाहता हूँ कि उसको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दें, एज ए लिवरपूल फैन मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी रखें उसे, उसको टाइम दें, उसको पैसे दें, लगातार रहे। आई वांट नथिंग मोर, एंड द लास्ट थिंग आई वांट इज के पोचेटिनो आ जाए वहां पे, बिकॉज आई थिंक ही इज ग्रेट। बट मसला ये है कि अगर मैं यूनाइटेड फैंस के साथ थोड़ी लाइक हामी भरूँ और थोड़ा उनके दुख में लाऊं, तो मतलब सोचने वाली बात यह है कि यार, एक तो प्लेयर आपने सही बात की कि प्लेयर कौन से हैं। ठीक है, हैरी मगवायर अभी बहुत बुरा खेल रहा है, दैट्स फाइन, उसको निकाल दो। आपके पास डेविड डेहिया एक टाइम पे वर्ल्ड क्लास, लोग कहते थे बेस्ट कीपर है, ठीक है, उसका फॉर्म गिर गया। एरन वैन बिसा, अच्छा पैर, अच्छा बीच में जो है ना कंफ्यूजन ये है कि अपने प्लेयर्स को यूनाइटेड फैंस, और राइटली, मतलब राइटली तो नहीं, मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लाइक रैशफोर्ड कमाल है,
अब जो कि वो है मार्शियल कमाल है, जो कि वो है ब्रूनो कमाल है, जो कि वो है पॉगबा कमाल है, जो कि वो है ग्रीनवुड अप एंड कमिंग ब्यूटीफुल टैलेंट जो कि है बैन बिसाका, ये कहते हैं ट्रेंट के करीब, कभी कभी कंपैरिजन भी ड्रॉ कर लेते हैं ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट्स ऑन, लेकिन कर देते हैं ये सारे है, मैंने आधी टीम गिनवा दी है। अगर ये भी हैं और अभी भी इनको, और चलो ये टीम तो होगी ना, फिर अगर आप इनके फाइनेंशियल वो देखें, दे हैव आउटस्पेंट एवरीवन इन वर्ल्ड फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ नेट स्पेंड इन द लास्ट थ्री ट्रांसफर विंडोज जब ओले गुनर सोल्शायर मैनेजर है। डैनियल जेम्स इन्होंने लिया, हैरी मैग्वायर इन्होंने लिया, ब्रूनो फर्नांडेज इन्होंने लिया, इगालो और टेलेज और कवानी या बिसाका, ये सारे आए, ये सारे ओले गुनर सोल्शायर के होते में आए हैं। ही साइंड ऑफ ऑन दिस प्लेयर्स, इस तरह तो नहीं होता कि उसको रात को कॉल करके भाई ये सुबह प्लेयर आ गया, मतलब उसको पता ही था कि क्या हो रहा है। एंड ही साइंड ऑफ ऑन देम, ही गॉट दिस क्वालिटी, ही गॉट ऑल दिस मनी स्पेंट, और उसको एंड पे क्या रिजल्ट मिला, 66 पॉइंट्स, ठीक है फोर्थ आगे, बट दैट्स बिकॉज इर्द गिर्द जो उसके टॉप फोर वाले कंटेंडर्स थे वो सारे इम्प्लोड हुए हुए थे। आर्सनल का फजूल तरीन सीजन चल रहा था, स्पर्स भी इम्प्लोजन की अपने चक्कर में थी, कोई टके का वो कंपेटिटर होता फोर्थ स्पॉट के लिए, यूनाइटेड वुड नॉट बी फोर्थ। सो आई थिंक वी नीड टू जज देम ऑन पॉइंट्स, इफ यू स्पेंड सो मच एंड यू हैव दैट क्वालिटी एंड यू ओनली गेट 66 पॉइंट्स, एंड नाउ अगर आपने सीजन इस तरह स्टार्ट किया तो मतलब आप ठीक है रखो, मतलब मैं तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, और फिर यूनाइटेड फैंस कहते हैं कि ही नीड्स टू बी बैक मोर, मतलब कि द आर्ग्यूमेंट इज द सेम ना, कि अगर आपने उसको 500 मिलियन दे के उसको कि ऐसे प्लेयर पकड़ाने हैं जिससे वो कुछ कम्पीट कर सके, यू कैन गिव द सेम लाइक पोचेटिनो को आपको 200 मिलियन देने पड़ेंगे एज अपोज टू 500 मिलियन, उसी में वो काम कर देगा जो वो 500 मिलियन में करेगा, बिकॉज ही इज अ बेटर मैनेजर, वे बेटर मैनेजर। अब दूसरा जहाँ तक मैन मैनेजमेंट और टैक्टिक्स की बात है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंदर बड़ी चीज़ें आ जाती हैं मैनेजमेंट, एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ द टाइम ग्रेट कोचेज आर नेसेसरली नॉट ग्रेट मैनेजर्स। मैनेजर्स के अंदर जो आता है वो कोचिंग तो ऑब्वियसली होती है, बट यू नीड मैन मैनेजमेंट, यू नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल द ईगोज, आपको ट्रांसफर डीलिंग्स का पता होना चाहिए, किस प्लेयर को लेना है, क्या करना है, वो आपने टेक्निकल डायरेक्टर या जो भी आपका वो होता है उसके साथ बैठ के वो भी करना होता है। सो यू आर लुकिंग एट द होल थिंग, सोल्शर वुड बी अ ग्रेट मैन मैनेजर, लगता है बड़ा अच्छा मैन मैनेजर, एंड फॉर मैन मैनेजर वो फुटबॉल का कोई ताल्लुक नहीं होता, यू कैन बी अ ग्रेट मैन मैनेजर एज अ पेंट कंपनी मैनेजर, लाइक मैं वो पार्क्स फील्ड्स में जाके भी मैन मैनेजर अच्छा बन सकता हूँ, दैट्स गुड, दैट वर्क्स, वो आप मोटिवेट कर देता है, उसने वो फील गुड फैक्टर लाया और वो क्वालिटी प्लेयर्स को आप एक लेवल तक पहुंचा देते हो, बट आपने अगर इतना कुछ करना है टॉप फुटबॉल पे यू नीड अ टैक्टिकल ब्लूप्रिंट, स्पेशली 2020 में फुटबॉल बहुत वो हो गई है टैक्टिकल और सोफिस्टिकेटेड, आप नहीं है गार्डियोलाज और क्लॉप्स और इनके खिलाफ नहीं खेल सकते अनलेस के आपको पता है क्या, अगर आप किसी भी कोच से पूछे ना, एंड आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ फ्यू कोचेस, एंड वन ऑफ देम सपोर्ट्स मैन यूनाइटेड, एंड ही सेड कि एज अ कोच आई फाइंड इट रिडिकुलस कि यूनाइटेड में क्या हो रहा है, बिकॉज एज अ कोच आप तो वो देख रहे होते हैं ना कि अच्छा है बिल्डअप क्या हो रहा है, अब क्या मूवमेंट्स हैं, क्या पैटर्न्स कोच हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, और वो अल्लाह तवक्कल चल रही है कि भाई जान फ्रंट थ्री के पास बॉल पहुंची और वो इंडिविजुअल मैजिक के साथ कुछ करेंगे, दैट्स फाइन, उनके पास इंडिविजुअल मैजिक है एंड देव गॉट यू टू 66 पॉइंट्स एंड दे ब्रिंग यू सम गुड अटैकिंग फुटबॉल एट टाइम्स, बट अगर आपने वापस प्रीमियर लीग एलेक्स फर्गसन वाले टाइम पे जाना है तो आई एम सॉरी मुश्किल ही है, आई थिंक फोर्थ सीजन मुश्किल। दे हैव टू मूव ऑन, हमारा जो को-फाउंडर था इस पेज का, ही इज अ वेरी बिग लेस्टर फैन, वो जब से लेस्टर फोर्थ ने आई उन्होंने फैन स्टैंड्स पे आने ही छोड़ दिया, कैनेडा वो पाकिस्तान छोड़ के कैनेडा भाग गए, हसन आई होप यू आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी टू स्पिल द ट्रूथ आउट, लेकिन ये फैक्ट है, यू शुड कम बैक टू द शो और लेस्टर विल डू वेल देयर। जोक्स अपार्ट, एक बात है, यहाँ उमर शाहिद का एक मैसेज है, वो लोड नहीं हो रहा स्क्रीन पे, अहमद ही सेइंग कि मैनेजर दे कम आउट दे स्टैंड, मतलब दे शाउट के यार क्या खेल रहे हो, कम ऑन, जो मैन मैनेजमेंट होता है, वी सी मैनेजर्स कमिंग एंड शाउटिंग, सही है। हेंडरसन ने खुद बोला था कि यार क्लॉप का ना गुस्सा आप लोगों ने नहीं देखा, यू फाइंड हिम एज अ वेरी अम्यूजिंग फ्रेंडली जॉली गाय, बट उसके गुस्से से अल्लाह माफी करे। तो उमर शायद ये कह रहे हैं कि यार ओली वो गोल खाते हैं, वो अपने बेंच पे बैठ के अपने आईपैड पे कुछ हाइलाइट्स देख रहा होता है या मैसेजेस पढ़ रहा होता है, तो इस पे कोई बात ही नहीं करता, बड़ा फनी अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन अहमद ये वी नोटिस दिस, हमने बात की कि वी डोंट सी दैट फायर दैट इंटेंट फ्रॉम ओली, मतलब क्यों, और इस दिस ये हमारे उसका कोई मिसकंसेप्शन है जो फैन ने सवाल पूछा है।
नहीं कुछ आई थिंक कुछ मैनेजर होते हैं जिनको पता होता है कि आई थिंक जो इतने ज्यादा वोकल नहीं होता है। आई थिंक सोलशार जब हाफ टाइम हुआ था उन्होंने गालियां वगैरह या सुनाई तो होंगी कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे निकालना है या नहीं। तो वो बेसिकली ये होता है कि टच लाइन पे हर कोई इतना इमोशनल नहीं होता, जिससे हमने पेप गार्डियोला या क्लॉक को देखा होगा। अब याद है आई थिंक जब अल क्लासिको हो रहा था, जब राफा बेनिटेस और थे मैनेजर रियाल मैड्रिड के, तो वो अल क्लासिको हार रहे थे तो वो सैंडविच खा रहे थे। तो वही बात है कि हर हर बंदे के एक डिफरेंट वो होता है जो आपने क्या करना होता है। गुस्सा तो सबको आ रहा होता है मगर आई थिंक हर कोई इमोशनल नहीं होता है। एक होता है कि आपको आप समझते हैं कि मैं शायद इन पे गुस्सा करूंगा तो ये और मेरे खिलाफ होके और गलत खेलेंगे, तो आप अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सुनाते हो मगर आप काम डाउन भी करते हो, थोड़ा बताते हो कि भाई हम मैन डाउन है तो अब इस तरह खेलना है या उस तरह खेलना है। जैसे आई बिल्कुल गेस जब क्लॉप जब आई थिंक 4-1 चल रहा था हाफ टाइम पे एस्टन वाला में आके, उसने सुनाई होंगी कि ये भाई क्या कर रहे एड्रियन या ये वो हर बंदे के एक डिफरेंट होता है कि आप कैसे करते हैं। कोई एक्सप्लोजिव होते हैं, कोई उस वक्त ही होते हैं, कुछ वगैरह इंतजार करते हैं कि हाफ टाइम में जाके फिर अपनी टीम को सुनाए। ये तो सारा आपका उसका डिपेंड होता है कि आपकी टीम प्लेयर्स के साथ कैसी वो है। सही सही होप उमर यू दैट आंसर्स द क्वेश्चन। इस्माइल एक बात है, अहमद की उससे बात से मैंने निकाली, डू यू थिंक ही इज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द ड्रेसिंग रूम? उसने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दी है कि आई नेवर गॉट टू साइन द प्लेयर्स आई वांटेड, स्पेशली वैन डे बीक की बात हुई है, वैन डे बीक को खिला नहीं रहा। ही इज हाँ वन वो भी प्लेयर, खिलाया खरीदा उन्होंने एनर्दर गोमेज। इज वन प्लेयर आई रियली लाइक एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल के वो द चैंपियंस लीग में आए, सेमी में आए थे ना, पीपल टॉक अबाउट डी योंग एंड डिलेट, बट यू नो एवरीवन फॉरगॉट अबाउट वैन डे बीक। आई मीन बहुत अच्छा उसने खेला था आयक्स में भी। सो ही सेड कि मुझे प्लेयर सॉरी बीच में आवाज थोड़ी सी कट गई थी, कि मुझे ही प्लेयर सेड अपने लेने नहीं दिया। जी अहमद, उसने यही कहा था, इफ मैं एम आई करेक्ट? नहीं हाँ उसने यही कहा था कि मुझे अपने काम के प्लेयर नहीं मिले, मुझे जोर्डन सैंचो चाहिए था, मुझे उपमेकानो चाहिए था एज डिफेंस, मगर मुझे कोवानी दिया जा रहा है, मुझे एलेक्स टेलिस दिया जा रहा है। तो इस पे आई गेस वो क्या ही इज कहना नॉट चाहेंगे। इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। ये न्यूज आई, उसने बोला है कि मेरी से नहीं है, मतलब मुझे चाहिए ए, आप मुझे दे रहे हो बी। आई थिंक दैट सरप्राइजिंग। पहली बात तो दैट दिस इज हैज शेड्स ऑफ मुरीनियो, जो मुरीनियो और फिर यूनाइटेड, और मुरीनियो का हर क्लब में ये मसला फिर वो एंड पे आ ही जाता था कि वो मीडिया के थ्रू अपने बोर्ड से बातें करता था कि भाई तुम ये कर रहे हो मेरे साथ। तो आई थिंक वही अब इसका वो पॉइंट फॉर सम रीजन जल्दी आ गया। बट एज फार एज लूजिंग कंट्रोल ऑफ द ड्रेसिंग रूम, अच्छा उससे पहले तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी अन इफ आई सी आई कैन अंडरस्टैंड मे बी जो ऊपर में कानो है, बट जेडन सैंचो का हाउ कैन ही कंप्लेन कि मुझे जेडन सैंचो नहीं दिया जा रहा। जेडन सैंचो एक 120 मिलियन का प्लेयर है, आप इतने ज़्यादा पैसे ऑलरेडी खर्च चुके हो, आप कोविड के टाइम पे हो, हर क्लब सिर्फ आई थिंक 3 क्लब हैं वर्ल्ड फुटबॉल में जिन्होंने 100 मिलियन क्रॉस किया है कोविड में ट्रांसफर स्पेंडिंग, और एक चेल्सी थी जिन्होंने पिछले साल का पैसा रखा हुआ था। सो दैट गोज टू शो कि रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स, और इतनी आराम से नहीं होता। बट हाउ लाइक इस तरह तो फिर क्लॉप आके के यार या गार्डियोला आके के यार मुझे मेसी नहीं मिला तो मैं अब क्या करूं? मतलब आपके पास जो है आप आर यू गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर प्लेयर्स? आई डोंट थिंक ही इज। आर यू इम्प्रूविंग एनी ऑफ योर प्लेयर्स? आई डोंट थिंक ही इज। कैन यू नेम वन पर्सन हु इज इम्प्रूव्ड अंडर ओले गुनर सोल्शियर? आई डोंट थिंक सो। एज फार एज द ड्रेसिंग रूम गोज, एक द एथलेटिक ने एक आर्टिकल निकाला हुआ था, आई थिंक देर वेरी वेल कनेक्टेड, तो उनकी प्रॉपर सोर्सेज होती हैं। उसके अंदर था आफ्टर द मैच अलॉट लाइक मोस्ट प्लेयर्स हैव हिज बैक, लाइक ओले गुनर सोल्शियर इज अ गुड गाय। लेट मी से कि ओले गुनर सोल्शियर को जब मैं बैश करता हूँ मैं उसको पर्सनली बैश नहीं कर रहा ऑब्वियसली, एंड इट्स नॉट हिज फॉल्ट व्हाट इज हैपनिंग। उसका एक जो लेवल है एज अ मैनेजर वो उसका लेवल है, उसको उन्होंने जॉब ऑफर की ऑब्वियसली उसने हाँ कहना था, एनी वन ऑफ अस वुड से यस, सो इट्स नॉट हिज फॉल्ट, द फॉल्ट इज वुडवर्ड के भाईजान प्लीज कट इट आउट, लाइक आप खत्म करो बेचारे पे, उस पर भी जुल्म हो रहा है फॉर हिज सेक, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर। बट ड्रेसिंग रूम से यही नॉइज आ रहा है कि दे बिलीव इन ऑले, दे थिंक इज अ ग्रेट गाय, बट वन इंटरेस्टिंग थिंग इज के सोर्सेज ये कह रही हैं कि प्लेयर्स के अंदर ये एक है कि डज ही हैव दैट एबिलिटी एज अ टॉप टीयर मैनेजर जो हमें लाइक नेक्स्ट स्टेप लेके जाने। लिवरपूल और बेसिकली अभी जो चेल्सी और यूनाइटेड है उनका क्या, तो क्या आई मीन स्पर्स का भी कि किसी तरह सिटी और लिवरपूल के पास चले जाए। एंड द ड्रेसिंग रूम के अंदर यही थॉट है कि
थोड़ी सी डाउट है कि इज ही दैट मैन हु कैन टेक अस टू दैट लेवल, एंड आई थिंक द आंसर इज प्रीटी क्लियर. तो देखें अभी वो खेलेंगे तो सही उसके लिए, दे आर नॉट गोइंग टू थ्रो अवे हिज जॉब और समथिंग, वो जान मारेंगे, बट थोड़े से सीड्स ऑफ डाउट हैं एंड आई थिंक दे आर वैलिड. सही सही सही. सो अहमद, इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक विल रैप रैप दिस टॉपिक अप. आई थिंक वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द टू मेन टीम्स बिकॉज दे हैड हॉरेंडस परफॉर्मेंसेस ऑन गेम वीक 4. सो एंड गेम वीक 5 के हम प्रेडिक्शन मारी. सो यू मेंशन आर्सेनल एंड सिटी इस्माइल, एंड यू डिड अ शो ऑन मैनचेस्टर सिटी. तो मैनचेस्टर सिटी क्यों थोड़ा स्लगिश सा स्टार्ट हमने देखा? आई मीन मैचेस व्हिच दे शुड हैव वन, they did not win, and Arteta pulled one over against Guardiola in the FA Cup semi-final. So how do you see this game going? And then we'll come to you, Ahmed, after Ismail gives his answer. Yeah, so just a bit of shameless plugging here. So guys, if you want to check out the episode that Mohsin mentioned, it's on our YouTube channel, which is called On the Mic. If you search On the Mic Manchester City, probably aa jayega samne. But the episode I did was looking at के Manchester City का आजकल मसले क्यों चल रहे हैं defensively especially. And the reason is, in my opinion, कि उनकी defense का ऐसा मसला नहीं है. उनका मसला है उनकी फॉरवर्ड और मिडफील्ड लाइन का, कि वो प्रेस सही नहीं करे. अगेन वो लिवरपूल एस्टन विला वाला जो है वो इशू सामने आया है, बट इनका थोड़ा डिफरेंट है. इट्स नॉट कि प्लेयर्स आर गेटिंग इन बिहाइंड देयर डिफेंसिव लाइन, इनका मसला ये है कि प्लेयर्स आर गेटिंग इन बिहाइंड देयर मिडफील्ड लाइन, और उसका ये है कि प्लेयर्स आर रनिंग एट देयर डिफेंस टू मच. मतलब कि बहुत सारे इंस्टेंसेस और मैचेस में होते हैं कि प्लेयर जो हैं वो बॉल लेके मैन सिटी के डिफेंडर्स के पीछे के सामने भाग रहे होते हैं. एंड ऑब्वियसली एनी डिफेंडर इन द वर्ल्ड, अनलेस यू आर लाइक द टॉप टॉप लेवल लाइक वैन डाइक और रैमोस और वरान, या फिर मतलब जो वन ऑन वन डिफेंडिंग में बहुत अच्छे हैं और कुछ कर लेते हैं, अनलेस यू आर दोज गाइज एंड मे बी इवन लपोर्ट, और वो ना हो नहीं होता तो उनको और मसला होता है. बट दीज गाइज ये प्रॉबली संभाल सकते हैं, ये भी कुछ एक्सटेंड तक संभाल सकते हैं, बट किसी भी डिफेंडर को आप एक्सपोज करोगे एंड इफ यू मेक हिम रन बैक, इफ़ यू हैव लीव स्पेस अराउंड हिम, और फिर अटैकर्स को अटैक करवा रहे हो, तो देर गोइंग टू स्ट्रगल. एंड मैन सिटी आर गिविंग वे टू मच स्पेस टू अटैकर्स इन एंड अराउंड देयर डिफेंस. और इसका इशू यही है कि उनकी प्रेसिंग सही तरह मिडफील्ड में नहीं हो रही. फर्नांडिन्हो गॉटन अ बिट टू ओल्ड, रॉड्री इज नॉट द सेम लेवल ऑफ डिफेंसिव प्लेयर जो फर्नांडिन्हो है. रॉड्री इज गुड ऑन द बॉल, बट रॉड्री से वो डिफेंसिव ना, वो टैक्टिकल फाउल्स होते हैं जो फर्नांडिन्हो बहुत अच्छी तरह करता था, वो रोक देता था उनको काउंटर अटैक करने से, ना ही उससे वो मोबिलिटी है उसकी, जो वो हेंडरसन और एलान की हमने बात की थी ऑफ डूइंग दैट जॉब इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस. ही कांट डू दैट एज क्विकली एज इट्स रिक्वायर्ड इन द प्रीमियर लीग. तो वही मसला है कि सिटी का, आप जितने मर्जी डिफेंडर खरीद लो, इफ दे डोंट सॉर्ट आउट देयर प्रेसिंग इशू, इफ दे डोंट सॉर्ट आउट के मिडफील्ड किस तरह बाईपास हो रही है और डिफेंस के ऊपर इतने अटैक क्यों किए जा रहे हैं, तो फिर मसला सॉल्व नहीं होना, बिकॉज दैट्स हाउ गार्डियोलास टीम्स डिफेंड. इफ यू नोटिस, गार्डियोलास टीम्स हैव बीन सो गुड डिफेंसिवली जनरली व्हेनेवर दे वॉन द लीग. और ये एक मिथ है कि उसको डिफेंसिवली वो करना नहीं आता सेटअप, बिकॉज हिज टीम्स यूजली हैव द बेस्ट डिफेंस व्हेन दे विन द लीग, बिकॉज वो यूजली बॉल देती नहीं अगली टीम को, और जब वो बॉल देते हैं तो वो इतनी अच्छी प्रेसिंग करते हैं एंड दे कीप द बॉल सो फर्दर अवे फ्रॉम देयर गोल एंड देयर डिफेंस, के वो नौबत ही नहीं आती कि डिफेंडर हैं कौन. आई हैव सीन हिज मैचेस इन व्हिच ही इज नॉट इवन प्लेड अ सेंटर बैक, लाइक बायर्न म्यूनिख का मैच था, ही प्लेड विदाउट अ सेंटर बैक, कोई सेंटर बैक ही नहीं था, और ही दे वॉन लाइक 5-0 और समथिंग, बिकॉज वो बॉल आती नहीं थी डिफेंस तक, दे वर सो गुड. और इस आजकल मसला चल रहा है कि उनकी डिफेंस एक्सपोज पे एक्सपोज हुई जा रही है, पीपल आर रनिंग एट इट एंड दे आर कंसीडिंग गोल्स, और फिर ऑब्वियसली सिंस इट्स ऑल लिंक टूगेदर, उनका सरप्राइजिंग ये अटैक भी उतना अच्छा नहीं चल रहा. ऑब्वियसली एग्वेरो हेजूस दोनों गए हुए हैं, तो दोनों इंजर्ड हैं, सो दैट इज अ बिग ब्लो. एंड डेविड सिल्वा का जो वॉइड है वो कौन फिल करेगा? आई डोंट थिंक फोडेन इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर, ऑल्दो इज क्वालिटी बट इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर. गुंडोगन वापस आएगा तो लेट्स सी, बट आई थिंक सिटी हैव अ लॉट ऑफ इशूज दैट दे नीड टू सॉल्व, बट गार्डियोला इज वर्ल्ड क्लास, तो आई थिंक ही विल फिगर समथिंग आउट. जहाँ तक आर्टेटा की बात है, आई बीन वेरी इंप्रेस्ड. एंड यू माइट से कि मैं क्यों लाइक इम्प्रेस हूँ, मैं लाइक फॉर गाय हु हैज नो एक्सपीरियंस, मैं ओले को बातें कर रहा था कि ओले के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर आर्टेटा को मैं कह रहा हूँ कि ठीक है. बट आई हैव सीन थिंग्स फ्रॉम आर्टेटा, फर्स्टली बिकॉज आर्टेटा गॉट लर्न फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट विच इज गार्डियोला, एंड दैट मीन्स समथिंग. जब गार्डियोला के लिए आप असिस्टेंट कोच हो तो आपने फुटबॉल सीखी है,
यू नो द टैक्टिकल ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द गेम इज प्लेड एंड वी हैव सीन साइंस ऑफ आर्टेटास इंटेलिजेंस विद द वे आर्सेनल सेटअप. फाइव एट द बैक विदाउट द बॉल, फिर वो अटैक में जो है वो चेंज कर लेते हैं अपनी फॉर्मेशन, दे अटैक विद फाइव, बहुत फ्लूइड है बट ऑल्सो वेरी डिफेंसिवली सॉलिड. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्लोजर देन पीपल थिंक बिकॉज आर्टेटा सर्टेनली हैज स्टॉप्ड आर्सेनल फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे वर डूइंग सो रॉन्ग अंडर एमरी विच इज द बेसिक्स. टैक्टिकल वो उसकी तो बाद में आती है ना कि गार्डियोला की तरह वो किस तरह आर्सेनल को खिलाएगा, बट फर्स्टली ही नीडेड टू डू थिंग्स दैट मे बी गार्डियोला इज नेवर डन बिफोर, विच इज टेक अ टीम एट 10th एंड फिगर आउट कि इनको किस तरह स्टेबलाइज करना है, इनको किस तरह बेसिक्स वापस सिखाने हैं. वो उसने सिखाए हैं, दे आर अ वेरी वेल ड्रिल्ड साइड नाउ, ऑब्वियसली दे नीड मोर क्वालिटी, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्लोजर. वो वाला सीन नहीं होगा कि आर्सेनल फैंस फिर बाद में कह रहे हैं कि यार इससे बेहतर था मैच नहीं देखते. सो इट्स गोइंग टू बी क्लोज. सर माशाल्लाह आपने तो सारी बात कह दी, अहमद सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं अब. सॉरी आई नहीं टेक अप आई से टू मच. नहीं कोई मसला नहीं है, नो इट्स अ प्रॉब्लम वेरी गुड एनालिसिस, नो मजा आता है सुनने प्रॉब्लम. में. आई विल जस्ट ऐड समथिंग हियर, सॉरी अहमद इज एन इंटर मिलान फैन बाय द वे, सो ही इज एन एक्सपर्ट नाइस. ऑन सेरिया ला लीगा. ऑब्वियसली मैं वो देखना कम हो गया मेरा आजकल, लेकिन सो अहमद टेक्स केयर ऑफ दैट पार्ट फॉर द चैनल. सो अहमद व्हाटएवर इस्माइल हैज सेड, वी हैव डिस्कस्ड दिस, Arteta gives you that feeling. I mean, he finished 10th. I mean, Emre hota to wo to shayad bottom 10 mein aa sakte the, but he won the FA Cup, ek redemption mila, ek Liverpool ko shock community shield ka ek surprise diya. Sahi hai, it's not, they're not the biggest trophy, but I mean, you get something from nothing, so that's what matters. And they both, I mean, even the FA Cup final, the community shield, they were matches which everyone expected ki Arsenal harega, but they came out on top. So क्या लगता है तुम्हें क्या होगा इस मैच में, सिटी अगेंस्ट आर्सेनल? आई मीन होम एडवांटेज का तो फायदा ही नहीं नजर आ रहा सिटी को, थ्रैश बाय लेस्टर एट द इत्तेहाद. देखिए अगर वही बात है कि आर्सेनल ने जो हमने मैचेस देखे, आर्टेटा को ये पता है कि डिफेंसिवली कैसे सेटअप करना है. अब उसने उसके पास वो प्लेयर भी आ गए हैं, आई थिंक गैब्रियल ने बहुत भी अच्छा खेला है. विलियम सलीबा का हमने इतना नहीं देखा, मगर ये है कि रॉब होल्डेन और डेविड लुइस भी बहुत अच्छा खेला है, और फिर आपका मेटलन नाइल्स है, और आई थिंक बेलरिन भी बहुत अच्छा खेल है. तो यही है कि डिफेंसिवली वाकई बहुत इशू है सिटी में. वही बात है कि रूबन डियास को भी लेके आए हैं, और वो बात है कि पहले मैच में जॉन स्टोन्स और वो खेल रहे थे नेथन एके, मगर वो वाली बात नहीं मिली. वही बात है कि जो इस्माइल ने बहुत अच्छी बात की है कि रोड्री डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं, वो बॉल होल्ड वो पासेस अच्छे दे देते, मगर जो एक डिफेंसिव काम है जो वो फर्नांडिनियो करते हैं वो नहीं कर पा रहे. तो फिर मसला एक और है जो मैं ऐड करूंगा, बेंजामिन मेंडी. आई थिंक लेफ्ट बैक का बहुत बड़ा इशू है सिटी को, क्योंकि बेंजामिन मेंडी वो वाले नहीं है जो मोनाको में थे. वो डिफेंसिवली बहुत अच्छे थे, अटैकिंग वाइज भी अच्छे, अटैकिंग वाइज बहुत अच्छे, मगर डिफेंसिवली बेंजामिन मेंडी बहुत अजीब है. उधर फिर फैबियन डेल्स भी आपने खिलाया, फिर आपने उधर एक आपने यूक्रेनियन के वो भी खिलाया है, विंचेंगो भी खिलाया, जो दोनों सेंटर वो थे, सेंटर मिडफील्डर्स थे. तो वही बात है, गार्डियोला ने अभी तक अपना लेफ्ट बैक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया. ये कि रूबेन डियास का जो पहला मैच था नॉट बैड, काफी लोगों ने कहा था ठीक है 60 मिलियन का आया, 63 मिलियन का आया, नॉट बैड, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. मगर यही बात है कि आपके आगे जब उबमेयंग होगा और लाकेगट होगा, और आई थिंक शायद निकलेस पेपे खेलेंगे, तो वाकई आई थिंक यही बात है कि लपोटे होना जरूरी है. तो फॉर मैंने तो काफी लोग कह रहे हैं कि शायद आर्सेनल ये मैच जीत जाएंगे, कि वही बात है कि काफी लोग कह रहे हैं कि सिटी में भी आर्टेटा वाज द ब्रेन ब्रेन बिहाइंड ऑल द फॉर्मेशन और टैक्टिक्स. तो आई थिंक मुझे थोड़ा वही बात है, अटैकिंग वाइज भी अब जब तक गैब्रियल हेजूस या एक्वेरो में से कोई नहीं आएगा, तो वही बात है स्टर्लिंग खेल लेते हैं एज अ स्ट्राइकर, मगर वही है एक दो गोल से गांधे नहीं लगेंगे. तो वही बात है, आई थिंक यहाँ तो बहुत मुश्किल से मुश्किल ड्रॉ होगा, मगर आई कैन सी दिस आर्सेनल विन. Who Ismail, who's going to be the key player for both the sides? कौन game changer होगा इस fixture के लिए? गेम चेंजर तो आई थिंक केविन डी ब्रॉयने ही होता, बट आई थिंक ही इज आउट, ही पुल्ड आउट ऑफ द इंग्लैंड मैच, तो वो बहुत बड़े डाउट है. सिटी का वैसे ही इंजरी प्रॉब्लम्स और मसले चल रहे हैं, इफ यू पुल केविन डी ब्रॉयने आउट तो पिक्चर पूरी तरह चेंज होता था. आई थिंक इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, वो गया तो गेम बदल जाती है.
तो उसके अलावा आई थिंक फॉर सिटी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रहीम स्टर्लिंग। रहीम स्टर्लिंग अगर वो वॉइड फिल कर देता है जो कि एग्वेरो और हेजूस के ना होने से है, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी की, बिकॉज गार्डियोला की टीमों का मसला एटलीस्ट डिफेंसिवली अगर आप छोड़ दें वो तो मसले चल ही रहे हैं, एक और मसला ये है कि वो अटैकिंग चांसेस क्रिएट पिछले सीजन करते थे लेकिन उनसे फिनिश नहीं होता था। अब सो मेनी मैचेस इन विच दे जस्ट डिडंट फिनिश ऑफ देयर चांसेस, और मजे की बात है प्राइम कल्प्रिट यूजली स्टर्लिंग ही होता था। स्टर्लिंग ने ऐसे ऐसे खाली गोल मिस किए हैं कि मुझे लगता था अभी सब हो जाना है, इसने गार्डियोला ने इसे निकाल देना। बट ही नीड्स टू स्टेप अप विद हिज फिनिशिंग, आई थिंक ही इज वर्ल्ड क्लास, लेकिन वो वही फर्मिनो वाला मसला है कि क्रंच मोमेंट पे स्टर्लिंग नीड्स टू फिनिश, और अगर वो स्टेप अप करते हैं आर्सेनल के खिलाफ तो ही इज गोइंग टू बी की फॉर देम। आर्सेनल के लिए आई थिंक ऑब्वियसली ओबामेयांग, बट ऑल्सो आई थिंक पार्टी अगर खेलेगा तो उसका रोल बहुत बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आर्सेनल की मिडफील्ड में ऑब्वियसली सिटी की जो क्रिएटिव प्रोवेस है उसको रोकने के लिए यू नीड टू बी स्पॉट ऑन डिफेंसिवली। तो पार्टी और अगर वो खेला और ओबामेयांग एज ऑलवेज इज गोइंग टू बी की एज एन अटैकिंग थ्रेट। सही सही सही। सो गाइस आई एम सॉरी, यू नो हमें बहुत बात करने के बट यू नो आई नीड टू चेंज द फ्लेवर एंड वी नीड टू फिनिश द प्रीमियर लीग थिंग। अहमद आई होप यू डोंट माइंड, डू यू हैव एनीथिंग टू से बिफोर वी फिनिश, बिकॉज़ यू नो वी ऑलरेडी वेंट पास्ट एन आवर। सो आई वांटेड टू यू नो टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं, आई थिंक इस्माइल ने बहुत अच्छा सम अप कर दिया। अब यही है कि आई थिंक अब इट्स गोना बी अ गुड मैच, और यही बात है कि मास्टर वर्सेस स्टूडेंट देखेंगे, और आई थिंक ये है कि इस बार शटा टाटा के चांसेस अच्छे हैं। अहमद, ये मास्टर स्टूडेंट हर दफा होता है, मरीनियो लैम्पार्ड आ जाता है, फिर अर्टेटा और गार्डियोला आ जाता है, सर वो अब क्या करे ना, वो एक्स प्लेयर्स को मैनेजर ओले बनाने का का ट्रेंड मास्टर हो कौन गया। है, ओले का मास्टर कौन है? ओले का तो अभी कोई भी नहीं है, ओले का शायद एक ब्रूस टीममेट था शायद एक जमाने में, आजकल तो न्यूकासल फैंस भी, आई एम कनेक्टेड विद कपल ऑफ न्यूकासल फैंस, दे वर यू नो फ्यूरियस, मतलब ये क्या मैनेजर है जो बस कबाब खाता रहता है, वो डोनर कबाब न्यूकासल में। बट आई थिंक ही इज डन एन अमेजिंग जॉब। वी डिड अ वीडियो आई मीन बैक इन अप्रैल और मई, एंड यू नो वी वर श्योर कि न्यूकासल इज गोइंग टू बी सोल्ड टू द सऊदी इन्वेस्टमेंट ग्रुप, एंड आई नो समवन हु वर्क्स फॉर द इन्वेस्टमेंट ग्रुप, बट ऑब्वियसली नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल। लेकिन उससे मैंने बोला भाई कोई फैब्रिजी रोमानो वाला काम करके इनसाइड न्यूज दो, लेकिन नथिंग हैपेंड। खैर ये है, सो वी गोइंग टू चेंज द फेवर एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट फुटबॉल इन पाकिस्तान। एंड अहमद, डू यू हैव एनी, आई थिंक यू हैव सम क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क इस्माइल, बिकॉज़ इस्माइल इज वर्किंग क्लोजली विद कपल ऑफ क्लब्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो अहमद आप पूछे सवाल। हाँ इस्माइल, मुझे जरा थोड़ा कराची यूनाइटेड के बारे में बता दे, और ये बता दे कि हमारा फ्यूचर इंडिया की तरह ब्राइट नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है अभी भी हम बहुत साल पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल टेक्नोलॉजी एंड अदर प्लेइंग टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग? पहली तो बात यह है कि हम पीछे तो हैं ही, पीछे तो हम लाइक अभी जहाँ पे खड़े हैं हम तो इंडिया भी बहुत पीछे है, हम भी बहुत पीछे हैं, हम कोई 60-70 साल पीछे हैं, इतने पीछे हैं हम तो। क्योंकि हमने जो फुटबॉल जिस तरह आगे तरक्की करती कि हमने तो खेली नहीं इतने साल, लाइक हमारी लीग्स भी रेगुलर नहीं होती, हमें हम बहुत पीछे हैं। सो वो तो लाइक द क्वेश्चन आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम बढ़ना कब शुरू होंगे आगे, या हम बढ़ रहे हैं आगे कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पीछे तो हम रहेंगे ही, वो गैप फिल करना बहुत मुश्किल है, बट किसी के साथ तो गैप फिल करना है ना। मतलब ऑब्वियसली एक तो पहला माइलस्टोन होना चाहिए कि इंडिया के लेवल पे आए, फिर माइलस्टोन होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के आसपास कोई आके कम्पीट करें, फिर आगे देखी जाएगी कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की फुटबॉल का सिनारियो अगर पॉलिटिक्स वगैरह साइड को साइड पे कर दें, प्रॉब्लम यही है फुटबॉल के अंदर कि फुटबॉल रेगुलरली हुई नहीं फॉर पोलिटिकल रीजन्स। कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं हुई, हमारी कंपेटिटिव लीग नहीं हुई। फॉर एनी फुटबॉल, फॉर एनी कंट्री टू हैव एनी चांस एट फुटबॉल एट द इंटरनेशनल स्टेज, आपको डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, आपके यूथ लेवल पे कॉम्पिटिशन और कोचेज होने चाहिए। पाकिस्तान में एज सच कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान में एज सच कुछ भी नहीं है एज सच अभी भी। आपके शॉकिंग अगर मैं अगर लोगों को नहीं पता तो दो बातें बताता हूँ। एक बात यह है कि पाकिस्तान की अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो फुटबॉल सपोजिटली खेलती हैं, दे डोंट हैव अ ऑफिशियल लाइसेंस लीग। हमारी लीग लाइसेंस नहीं है, हमारी लीग अल्लाह तवक्कल मतलब PFF के उसी पे चल रही है,
AFC लाइसेंस लीग नहीं है हमारी। दूसरे जो शॉकिंग फैक्ट ये है कि एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं जो AFC के अंडर आती हैं, एशियन फेडरेशन के, आई थिंक देर मेनी, लाइक बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, कोई 50 हैं या कितनी हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच भी नहीं जीता। वर्ल्ड कप तो क्वालिफाई करना तो दूर की बात, क्वालिफायर में आगे बढ़ना दूर की बात, एक क्वालिफायर मैच नहीं जीते। आई थिंक इन 31 अटेम्प्ट्स वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बीच में ड्रॉ भी हुए हैं, वो डबल लेग होते हैं, लेकिन सो अ लॉट ऑफ सम ड्रॉज एंड अ लॉट ऑफ लॉसेस, तो सिचुएशन बहुत ब्लीक है। बट सम गुड न्यूज़ इज के आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ पोलिटिकल टर्मोइल और ये सारा जो सिचुएशन रही है, फाइनली फीफा स्टेप इन। फीफा हैड टू स्टेप इन आई थिंक, बट फीफा स्टेप इन नॉर्मलाइजेशन। अगर फॉर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अभी पाकिस्तानी फुटबॉल की ये सिचुएशन है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के नाम से एक फीफा ने बॉडी वो बीच में लाए हैं, जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ PFF और वो सारा थे वो ख़त्म हो गए हैं, दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, दे हैव बिन सस्पेंडेड। नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है, समझे एक तरह से मार्शल लॉ लगा हुआ फुटबॉल पे पाकिस्तान में, और मार्शल लॉ वाले आए हैं और उन्होंने कहा भाई जान इतने देर में हमने इलेक्शन करवाना है, सो द एग्जाम्पल फिट्स। तो उन्होंने कहा हमने इतने देर में इलेक्शन करवाना है, बट इन दिस केस वो एक्चुअली आए हैं ठीक करने के लिए, उन्होंने इलेक्शन करवाना है, तो वो आके इलेक्शन करवाना का उन्होंने सोचा हुआ है। नेक्स्ट ईयर तक वो इलेक्शन होंगे, उनका मैंडेट ये है कि उन्होंने आके इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने हैं। और द गुड थिंग इज के नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो आई है वो फीफा के मैंडेट से आई है, और दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ द स्टफ राइट। ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग नहीं है जिनके अपने पोलिटिकल किसी पोलिटिकल उसमें नहीं वो घुसे हुए, फीफा ने उनको अपॉइंट किया, पाकिस्तानी है लेकिन फीफा ने अपॉइंट किया, एंड फीफा इज टेकिंग मतलब नोट ऑफ द वर्क दे आर डूइंग, तो वो फीफा के अंडर रह के काम कर रहे हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि अब हमारे पास पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक टेक्निकल डायरेक्टर है जो यूएफा सर्टिफाइड कोच है, यूएफा ए लाइसेंस कोच है, डैनियल लिमोनेस, हु हैज़ पेडिग्री, हु हैज़ एक्सपीरियंस, हु नोज यूरोपियन फुटबॉल, ही हैज़ वर्क विद एथलेटिको मैड्रिड, रायो वेलेकानो, क्लब्स लाइक दैट, वो आके ही इज टेकिंग केयर ऑफ आवर फुटबॉल फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। और उनके अंडर है अब कि वो आगे फुटबॉल को किस तरह डेवलप करते हैं उसके अंदर, फिर उनके उनसे, तो बाय द वे अगेन सॉरी फॉर द शेमलेस प्लग, आई डिड अ होल एपिसोड विद डैनी एज वेल, दैट्स ऑल्सो ऑन द यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आई वांटेड टू ग्रेट डिटेल अबाउट हिज प्लान फॉर यूथ अकेडमीज, फॉर लोकल कोचेज, फॉर लोकल लीग्स। तो काफ़ी कुछ इन द पाइपलाइन है, ऑब्वियसली दिस इज स्टफ दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आपने टैलेंट पाकिस्तान के पास बहुत है लेकिन वो टैलेंट ज़ाया हुई जा रहा है साला साल, और क्योंकि कोई टैलेंट का कुछ वो कर नहीं रहे, देर इज़ नो वे टू मैक्सिमाइज दैट टैलेंट। जहाँ तक कराची यूनाइटेड की बात है, लास्टली इट्स बेसिकली प्लेइंग इन द सेकेंड डिवीजन ऑफ द पाकिस्तानी फुटबॉल लैडर, विच इज़ नोन एज द बी डिवीजन, और आजकल उसके मैचेस चल रहे हैं। दे प्ले इन द डिपार्टमेंट लेग। आई थिंक वन ऑफ योर व्यूअर्स जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन, सो द पाकिस्तानी प्रीमियर लीग इज गोइंग टू हैपन इन जनवरी मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी डेट कन्फर्म नहीं हुई। सो बी डिवीजन अभी चल रही है, वो ख़त्म होगी, कराची यूनाइटेड प्लेज इन दैट। आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी, द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम, एंड व्हाट सेट्स कराची यूनाइटेड अपार्ट फ्रॉम अदर क्लब्स इन पाकिस्तान, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज आई वर्क देयर, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स आई चोज टू वर्क देयर, इज बिकॉज दे आर अनलाइक अदर पाकिस्तानी टीम्स, क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग लाइक यूरोपियन क्लब्स डू। उनकी यूथ अकेडमी है, उनके अपने प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन और वो रेगुलरली होते हैं, उनके यूएफा सर्टिफाइड कोचेज हैं, शेख हमदान, करीम कराई, यूएफा सर्टिफाइड टॉप नॉच कोचेज जिन्होंने यूथ लेवल से स्टार्ट किया है और अब वो सीनियर टीम में आए हैं, एंड ऑब्वियसली सिंस दे हायर्ड मी एज अ वीडियो एनालिस्ट, वो उस तरफ भी जा रहे हैं, दे टेकिंग एवरी थिंग इन टू अकाउंट। द यूजल पाकिस्तानी वो सीन नहीं है कि भाई बस आए पिच पे और वो स्ट्राइकर को बॉल पकड़ाई जाके गोल कराओ, तो आई थिंक इट्स अ प्रॉमिसिंग थिंग फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल, एंड मोर पीपल शुड फॉलो द कराची यूनाइटेड मॉडल। ओके वेल यू नो ये है कि आई एम लकी के कराची यूनाइटेड का जो यहाँ ग्राउंड है इट्स नियर मी, मैं एक दो बार गया हूँ, तो आई विल डेफिनेटली पे अ विजिट, आई होप आई कैन गेट सम ऑफिशियल फ्रॉम देयर एज वेल एंड वी कैन हैव अ डिटेल्ड टॉपिक ऑन दिस अगेन। तो ये है इस्माइल, मुझे बताएं एक बात की थी जावेद आफरीदी ने, बहुत मिक्स रिव्यूज हैं, अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, पीपल हु रियली अंडरस्टैंड फुटबॉल वेरी डीपली लाइक यू, वो कहते हैं ये जो T20 टाइप लीग्स कराने की बात कर रहे हैं फुटबॉल में,
ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान फुटबॉल. व्हाट इज योर आंसर टू दैट? यार आई एग्री, आई थिंक फ्रेंचाइज मॉडल फुटबॉल में इसलिए नहीं चल सकता। चल सो फ्रेंचाइज मॉडल पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। एक वो अलग बहस है कि फुटबॉल में चल सकता है नहीं चल सकता, फुटबॉल में भी आई थिंक इतना नहीं चल सकता बिकॉज दो तीन वर्किंग मॉडल्स हैं आपके, एक US में है और उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ए लीग भी, आई डोंट थिंक एक फ्रेंचाइज है, आई एम नॉट श्योर। बट US में जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल जो एक मेरे सामने है, इंडिया में भी जो ISL है, क्या उसे कहते हैं दूसरी, जिसमें जो फॉरेन कोचेस वगैरह वो लेकर आए थे, वो एक फ्रेंचाइज मॉडल है। बट पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता बिकॉज पाकिस्तान में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रास रूट्स का मसला है, यू डोंट हैव ग्रास रूट्स। आप चलें आप फ्रेंचाइज मॉडल ले आए, आप 6-7 टीमें बना लें, आप प्लेयरों को, आप फ्रेंचाइज ओनर्स को कहें कि आके फ्रेंचाइज फी दें, प्लेयरों को आप हायर कर लेते हैं, वही जो 20 प्लेयर हैं हर टीम में उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख के उनको आप खिला रहे हैं, हाउ इज़ दैट हेल्पिंग पाकिस्तानी फुटबॉल? हाउ इज़ दैट क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर? हाउ इज़ दैट? और दूसरी तो ये तो नहीं एक साइड पे, दूसरी बात है कि आप AFC कभी रिकग्नाइज ही नहीं करेगी फ्रेंचाइज लीग को, बिकॉज फ्रेंचाइज लीग हैपन्स लाइक अ T20 लीग 1-2 महीने की। वॉट यू नीड टू बी रिकग्नाइज एज एन ऑफिशियल लाइसेंस लीग फॉर द AFC इज टू हैव समथिंग लाइक द प्रीमियर लीग, जो मतलब कि आपकी साला पूरे सीजन लॉन्ग कैलेंडर होते हैं, होम एंड अवे मैचेस होते हैं, लीग टेबल होता है, कोई 20 टीमें या जितनी भी आपकी ज़्यादा टीमें होती हैं उनके साथ आप चलते हो। सो दैट इज़ द मॉडल दैट शुड बी फॉलोड, वरना तो फ्रेंचाइज लीग कराएंगे तो वो कमर्शियल एक चीज़ है, उससे ठीक है कमर्शियल जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, आप स्टेडियम में शायद लोग भी आ जाएं, बट लॉन्ग टर्म फुटबॉल का कोई पाकिस्तान में फ़ायदा उसको नहीं वो दे पाएगी। और दूसरा मसला है कि जितनी भी अच्छी हमारी टीमें होंगी इन अ फ्रेंचाइज लीग, दे विल नेवर बी एबल टू प्ले इन द AFC चैम्पियंस लीग और द AFC कप। तो अगर आप ऐसी लीग करा रहे हो जो चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग टाइप कॉम्पिटिशन में, अगर मैं यूरोप का एग्जाम्पल हूँ, वो खेल नहीं सकती, तो फिर कॉम्पिटिशन की गेम है ना, हाउ आर यू गोइंग टू एस्पायर टू रीच दैट नेक्स्ट लेवल? तो वो मसला है। तो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज के पाकिस्तान में जो सारी डिपार्टमेंट टीम्स है ना, द चैलेंज इज टू कन्वर्ट देम इन टू सच अ फॉर्म के वो AFC लाइसेंसिंग क्राइटेरिया के साथ वो मीट कर दें। वो अभी चैलेंज चल रहा है कि डिपार्टमेंट्स ने फुटबॉल पाकिस्तान की फुटबॉल को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज ये के इलेक्ट्रिक, ये बाबडा, ये PI, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं KRL वगैरह, ये इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई, ये लोग प्लेयरों को सरकारी नौकरियां मिलती थी, इट वाज अ वे फॉर पीपल फ्रॉम वर्किंग क्लास बैकग्राउंड्स टू गेट फुलफिल देयर पैशन बट ऑल्सो गेट जॉब्स, वो सारा चक्कर भी था। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की है, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, द टॉप किंग्स इन पाकिस्तान आर डिपार्टमेंट टीम्स, बट देर नीड्स टू नाउ बी अ वे फॉरवर्ड। और ये PFF वगैरह डिपार्टमेंट से भी मीटिंग हुई थी उनकी रिसेंटली, इन विच डिपार्टमेंट्स को कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप प्लीज़ ज़रा क्लब मॉडल की तरफ आएँ, इन विच ठीक है आप बैंक रोल करें अपने वो डिपार्टमेंट्स को, बट मेक देम क्लब्स, बी देयर प्राइमरी स्पॉन्सर और बैंक रोलर। जिस तरह ग्लेजर्स की कंपनी, आई एम प्रीटी श्योर कोई है ग्लेजर्स की कंपनी, ग्लेजर्स की कंपनी बैंक रोल करती है, यूनाइटेड क्यों FSG बैंक रोल करती है, बट इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ FSG, कि FSG के एज अ कंपनी उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जी, लिवरपूल फुटबॉल क्लब एक अलग से FSG फुटबॉल क्लब बनाया हुआ। सो व्हाट नीड्स टू हैपन इज के इलेक्ट्रिक है, ये लोग अपने बैंक रोल करें बट क्लब्स हों विद प्रॉपर यूथ अकेडमीज, विद प्रॉपर होम ग्राउंड, और फिर वो आगे जो है आपकी लीग को एक कम्पिटिटिव साइड पर लेके जाएगी, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड, नॉट अ फ्रेंचाइज लीग। सो पीपल हु से दैट आर राइट। सही सही। अहमद कैन यू हियर मी? सॉरी आई थिंक कनेक्टिविटी थोड़ी मेरे यहाँ स्टेबल नहीं। नहीं आई कैन हियर यू। अच्छा अहमद, तुम्हें लगता है मीडिया का भी बहुत एक रोल है जो प्रमोट कर सकते, बिकॉज कलीम उल्ला या मोहम्मद आदिल दे वेंट टू कर्जकिस्तान, उन्होंने डोडोए में खेला था और बहुत लोगों को पता ही नहीं है। इस्माइल आप यू कैन ऑल्सो आंसर दिस, आई मीन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो के मतलब ये वो टाइम था जब ये बाहर गए, कोई भी लीग थी चाहे ये मतलब इराक में भी, आई थिंक इराक में भी खेला था, दिस शुड हैव बीन गिवन सम हाइप कि हमारे प्लेयर्स इतने तो अच्छे हैं कि कोई एक फुटबॉल प्लेइंग कंट्री इनको कंसिडर करके उठा रहा है, ये क्यों नहीं हुआ? अब प्रॉब्लम हमारा यही है ना कि हम फुटबॉल को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वही तो प्रॉब्लम इस यही है कि हम हमारा फोकस ही
क्रिकेट पे आजकल इतना ज्यादा हो गया कि हम फुटबॉल पे, हम नहीं, किसी जमाने हम स्क्वाश के, हॉकी के भी चैंपियन होते थे, मगर वो भी अब उस स्पोर्ट से भी हम हट गए। तो ये अब जाके अब हम जैसे लोग हैं, ये हम जैसे जो बहुत ज्यादा इस गेम के लिए पैशनेट है, हम अपने एक मीडिया के जरिए एक कन्विंस कर सकते हैं, या जो थोड़े अच्छे पोजिशन पे हैं वही कन्विंस कर सकते हैं। कि जब तक आपके, वही बात है, जब आपको एक स्पोर्ट्स को आप हाइप नहीं दोगे, आप एक इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वो तो बिल्कुल ही, तो वही बात है ऑब्वियसली। फिर किसी को नहीं पता होगा कि कलीमुल्लाह किधर खेल रहे हैं, या आपके जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जब तक आप कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे या आपको कोई हाइप नहीं दिया जाएगा। अब आपको ये पता है कि आपके क्रिकेटर्स के किस किस PSL में किधर किधर खेल रहे हैं, मगर आपके फुटबॉलर्स को नहीं पता, आपको ये नहीं पता आपके फुटबॉलर्स किधर खेल रहे हैं। वही मसला है कि थोड़ा एक हमने हमारे मुल्क में ये फुटबॉल का हाइप नहीं दी गई, और ये अब जाके थोड़ी उठी है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट यूट्यूबर्स या डिफरेंट मीडियाज के जरिए अब फैन चैनल्स बने हैं, और ये बने तो उसकी वजह से उठे हैं और फिर क्लब बने। तो इसी तरह आई थिंक यही है कि प्रायोरिटी दी जाएगी, वरना आई गेस वही बात है कि क्रिकेट के अलावा फिर आईडिया मुश्किल ही होगा किसी और चीज को देख। या सो मी जस्ट शॉर्ट थिंग ऑन मीडिया, आई 100% एग्री कि प्रायोरिटी क्रिकेट और बाकी क्रिकेट के अलावा बाकी किसी स्पोर्ट्स को नहीं दी जा रही। एंड आई डोंट जस्ट से दैट एज अ फुटबॉल फैन, आई से दैट एज अ जनरल स्पोर्ट फैन। बॉक्सिंग, कोई भी स्पोर्ट आप उठा के देख लें, पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स की प्रॉपरली कदर नहीं की जा रही। एंड पार्टली द मीडिया इज़ टू ब्लेम ऑब्वियसली, बट इन अ वे द मीडिया ऑल्सो इजन टू ब्लेम इन द सेंस, क्योंकि इतने सालों से कुछ हुआ ही नहीं है। आई मीन क्रिकेट का एक तो दोनों एंगल्स है ना, तो मीडिया को एट फॉल्ट डेफिनेटली है कि उनको ज़्यादा वो करना चाहिए प्रमोट, बिकॉज दे शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है हमने अपने हीरोज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। एट द सेम टाइम द फॉल्ट लाइज विद द फेडरेशन और वो वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स और वो लोग जिन्होंने उस लेवल पे स्पोर्ट्स को डिवेलप ही नहीं किया कि कोई मतलब कि कोई एक्टिविटी या कुछ और। फुटबॉल वॉज सस्पेंडेड फॉर 3 ईयर्स, आई मीन कैन यू इमेजिन दैट। एक लीग आपकी अगर होती थी थोड़ी बहुत, वो भी 3 साल के लिए सस्पेंडेड थी, आपकी नेशनल टीम ही सस्पेंडेड थी एक तरह से। तो वो सिचुएशन इज सो बैड दैट मीडिया डिडंट रियली हैव मच टू रिपोर्ट अपार्ट फ्रॉम मे बी द फैक्ट कि कलीमुल्लाह और वो चले गए, विच इज़ अमेजिंग। दूसरा के फैन चैनल्स और ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई से दैट एज समवन फ्रॉम अ फैन चैनल हिमसेल्फ। द रीजन वाई आई एम कवरिंग पाकिस्तान फुटबॉल इज बिकॉज आई बिलीव कि मीडिया जो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो कुछ ऐसा सच करना नहीं है फॉर वट एवर रीजन, बट इट्स अप टू अस नाउ। और अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है एज अ फुटबॉल लवर एंड समन हु बिलीव कि पाकिस्तानी फुटबॉल को प्रमोट करना चाहिए, आई वॉन्ट पीपल टू नो कि यार ये प्लेयर ये कर रहा है, ये टीम ये कर रही है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास लोग हैं जो अपना पैसा लगा के आ रहे हैं। इफ आई टेल यू कि आज बलूचिस्तान से मैं बी डिवीजन का मैच देखने गया था लाहौर में, बलूचिस्तान की टीम अपने पैसों पे आई हुई थी खुद से, बिकॉज PFF और कोई ऑब्वियसली उन्हें फाइनेंस नहीं करते एंड इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट, तो अपने पैसों पे लाहौर आए हैं एंड दे वॉन एंड दे नाउ देयर इन द प्रीमियर लीग। तो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड ताकि अवाम को पता चले कि आपके एथलीट्स और आपके लोग किन सिचुएशंस में हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। एंड आई थिंक ऑब्वियसली वी डू इट ऑन द चैनल, बट फुटबॉल पाकिस्तान .com इज ऑल्सो एन अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु वॉन्ट टू फॉलो पाकिस्तानी फुटबॉल, तो वो भी उनको फॉलो करें जाके। एंड अ फ्यू अदर पीपल लाइक शाहरुख सुहेल, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन पाकिस्तानी फुटबॉल, सो आई थिंक इन्हीं लोगों को फॉलो करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वी कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। सही सही। तो इस्माइल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन पीपल लाइक आस्क यू टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट? आई मीन यू हैव योर चैनल, वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग विद आवर पेज एंड चैनल। या सो आई थिंक इट्स ग्रेट के यू गाइज वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। उसके अंदर यही है कि स्टार्ट फॉलोइंग पाकिस्तानी फुटबॉल के, उसकी डेवलपमेंट्स वगैरह क्या हो रही हैं, जो मैचेस वगैरह होते हैं, जो डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर थोड़ी बहुत इसी तरह बात करिए लाइक यू डूइंग राइट नाउ, विच इज़ ग्रेट। ऑब्वियसली ज़्यादा चंक प्रीमियर लीग वगैरह पे ही जाएगा बिकॉज फैन फॉलोइंग उसकी ज़्यादा है, बट आहिस्ता आहिस्ता इफ यू इफ आई टॉक अबाउट योर ओन शो, इफ यू गिव आउट लाइक 10 मिनट सेगमेंट सेगमेंट फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल, या जो नॉट नेसेसरली हर शो में बट कोई डेवलपमेंट हुई है आपके सामने आई, आपको पता चला अच्छा जी ये वाला मैच हुआ है या ये लीग होनी है ये न्यूज़ आई है, जस्ट टॉक अबाउट दैट। लोगों का आहिस्ता आहिस्ता आगाह होते हैं लोग इसके बारे में, अवेयरनेस बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो फिर उसी तरह फिर आगे वो लहर चलेगी कि पीपल आर गोइंग टू डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कि भाईजान हमारी फुटबॉल कहाँ है, हमें
हमारे प्लेयरों और हमारे टीमों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वाई आर दे बेटर? वाई इजंट देयर टैलेंट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली? सही. अहमद, कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू. अहमद, डू यू थिंक दिस आल्सो सोशल प्रॉब्लम के स्पोर्ट्स इज नॉट बीइंग एनकरेज्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गेम्स एंड ऑल दिस एप्लीकेशंस, इंटरनेट अवेलेबल? बिकॉज इस्माइल, मैं यहाँ पे यही ऐड करूंगा, आई मेट समवन फ्रॉम KU. ही सेड के यार, मतलब फिटनेस का बड़ा इशू है. दीस प्लेयर, दीस किड्स, दे वांट टू टॉक अबाउट बिकमिंग प्लेयर्स, बट यू नो, और डाइट की बात करें तो यू नो, इट्स वेरी इल डिसिप्लिन्ड एंड यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है. टू बी ऑनेस्ट, इवन आई प्लेड फुटबॉल, आई हैव बीन प्लेइंग एंड वाचिंग सिंस 2003, एंड आई रिमेम्बर माय फ्रेंड्स, यू नो, हाफ टाइम दे हैव अ स्मोक ड्यूरिंग द गेम. सम प्लेयर्स कैन डू दैट. आई मीन So did दे Johan Cruyff in the World Cup final, लेकिन वो पुराने दिन तो मतलब ये चीज कैसे अवेयरनेस है. आई मीन दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप. आई मीन ये पूरा एक नेशनल लेवल का एक चीज होगी. इट्स नॉट ओनली वन स्पोर्ट. आई मीन डिसिप्लिन चाहिए हमें काफी चीजों में. डाइट कैसे होने चाहिए, प्लानिंग होने चाहिए, पूरा एक कल्चर इंकरेज करना पड़ेगा हमें स्पोर्ट्स का फॉर दिस टू हैपन. हाँ या सॉरी आई एम गॉन. हाँ, तो बेसिकली ये है कि बात आपने सही है, मगर ये कि देखिए, हम पैशनेट हम भी, मगर हम फुटबॉल, यानी मैं तो बहुत कम खेलता हूँ, आप ज्यादा खेलते हो, आई थिंक इस्माइल साहब भी बहुत खेलते, मगर यही है कि देखिए, जो चीज आपको, आप फॉलो करते हो, जो चीज आप वो ट्राई करते हो, जैसे आपको एक चीज पसंद है, जैसे मुझे फुटबॉल पसंद है, तो एक टाइम आएगा कि मैं उसको खेलना भी पसंद करूंगा अगर मुझे उसका शौक है तो. हाँ, आजकल के लड़के देखे, एक फीफा फीफा खेलना वो ज्यादा पसंद करेंगे, मगर एक टाइम आएगा कि वो फीफा से हटके भी एक फुटबॉल खेलेंगे. मगर वो, ये वाकई एक बैलेंस है जो बहुत डिफिकल्ट है, मगर आई थिंक ये कि वो पैशन आपको ढूंढना जरूरी है, जहाँ का आपने देखना हो कि हाँ, अब ये वाकई कि आप. कि सही है, डबल मोहसिन, आवाज आ रही? हेलो. आई थिंक मोहसिन, कैन यू, आवाज आ हाँ, रही? आई कैन हियर यू. आई थिंक थोड़ा नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है. कैन यू गाइस हियर मी? हाँ, या 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 ओके ओके. सो आई थिंक वी आर डन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वुड लव टू कैरी ऑन, बट यू नो, आई थिंक वी हैव एक्सीडेड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज़ यूजुअली 1 आवर तक मैक्सिमम करते हैं. बट इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इस्माइल. आई एम सॉरी, आई नो वी वुड लव टू मूव ऑन, बट वी होप दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यू ऑन द शो, एंड यू कैन स्पेयर टाइम out for us and come and educate all the audience and fans. I mean, I've had a lot of very positive feedback, a very good feedback. Unfortunately, net ka problem. I'm unable to display the comments. So thank you so much for coming. And guys, you know, do watch, like, share, subscribe to the Fan Stands and Ismail's channel and page on YouTube. Follow him on Twitter, Instagram. I'll share the details in the comment box and the description later on. थैंक यू सो मच मोहसिन. टाइम फ्लू बाय, मुझे पता भी नहीं चला. इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. लवली टू सी अदर चैनल एज वेल जो फुटबॉल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो करती नहीं है. बट थैंक यू सो मच हाँ, फॉर द हम्बलिंग कॉमेंट्स एंड द प्रेज. एंड श्योर आई वुड लव टू बी बैक. थैंक यू इस्माइल एंड अहमद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम. आई नो इट्स वेरी लेट इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, इट्स वे पास्ट 3:30. सो appreciate your comments, and Ismail, I'd love if you can, you know, tune into our show as an audience, and I'll also tune into your show. I'll also share links to your pay of your channel on our page, and I would love for you to, you know, come and participate. Okay, maybe kal we'll try to squeeze in a La Liga and Serie A show. So I'd appreciate if you can take our time and, you know, have some questions or feedback for us as well. Great, sounds good, man. Definitely. Okay, guys, thank you so much. No So, thank you, Ahmed. Thank you, Smile. So, worries. with that, No worries. I'd like to say goodbye and Allah Hafiz. Take care, guys. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz.